पहला क्वेश्चन जो ये आपका पूछा गया था, क्वेश्चन 1, द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, है ना? क्या दिया है? यूनिटरी सिस्टम, क्या दिया है? यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम का, अब इसके अंदर ऑप्शंस दिए, मोर अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेट, मोर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल, लेस चांस ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, है ना, टेरिनिज्म। ठीक है, ये एक अथॉरिटी, जो अथॉरिटी बेस्ड होता है, जैसे किंगशिप होती है ना, किंगशिप। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करेंगे यूनिटरी सिस्टम का, तो वो किसका, यूनिटरी सिस्टम किस पे वर्क करता है कि सेंटर पे क्या हो, मतलब स्टेट क्या हो, स्ट्रांग हो। यूनिटरी सिस्टम मीन्स हैविंग ऑल द पावर्स एंड इट्स अ पावरफुल एंड स्ट्रांग फेडरल सेटअप, राइट, मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि सारे स्टेट्स एक यूनिफाइड कमांड पे हो। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, उसके लीडर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, लेकिन सारे परमिशंस अथॉरिटीज आते कहाँ से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या है? होंगे क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, तो यूनिट, एक सेकंड, सर, आवाज कट रही है आपकी, आवाज एक नहीं आ सेकंड, रही, चेक सर करता आवाज कट रही है हूँ, आपकी। एक सेकंड, ठीक है, देखता हूँ मैं अभी। ठीक है क्या? देखो अब ठीक है, अभी आ रहे हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत यस आता ठीक रहता है। है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? इसको कैंसिल कर देता हूँ पहले थोड़ा। देखिए, तो जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर पे है, और सारी स्टेट्स क्या हैं, यूनिफाइड हैं। ठीक है, यानी एक सिंगल सिस्टम है जो पूरे स्टेट को क्या करती है, गवर्न करती है। तो एडवांटेज यूनिटरी सिस्टम का क्या है कि सारी स्टेट्स क्या हैं, स्ट्रांग स्टेट के रूल पे वर्क करता है। ठीक है, और सारी स्टेट्स, स्टेट अफेयर्स जितनी भी हैं, जैसे आज कोरोना का काम चल रहा है, फाइनली अगर रातों रात मोदी जी बोलें कि पूरे देश में लॉकडाउन है, क्या कोई स्टेट ऐसा होगा जो लॉकडाउन नहीं मानेगा? कोई स्टेट ऐसा होगा हमारे इंडिया में जो नहीं मानेगा? बोलिए, यस और नो? नहीं हो, सर, नहीं ऐसा नहीं होगा। यही होगा। कहने का मतलब ये है कि इट इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय यूनिफाइड कमांड, यानी एक सिंगल कमांड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है कि सारे स्टेट लोग अपनी क्या करें, अलग अलग रूल्स ना बनाए, राइट? तो यूनिटरी सिस्टम का मतलब हैविंग ए सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। अब स्टेट का मतलब STAT, एक सिंगल स्टेट नहीं है, ये स्टेट भी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कंट्री है या स्टेट है? वो बताओ, कंट्री है ना, राइट? कंट्री हाँ, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेट करने का मतलब, दिस स्टेट डजेंट रिफर्स टू व्हाट, ओनली ए सिंगल स्टेट, इट रिफर्स टू एंटायर सिस्टम। ठीक है, मैनेज्ड बाय सिंगल यूनिट। ठीक है, सिंगल यूनिट मीन्स यूनिटरी। चलो आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंट्री हैज ए नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे इंडिया को आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, किसका है? इंडिया का है। किसका है? सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, किसका है? इंडिया इंडियन का है। लेकिन अब इंडिया का, आप आपको इंडिया पता होगा का, कि इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे संसद में रखा हुआ है, मालूम है आप लोगों को? ठीक है, हीलियम बिल्कुल। गैस में के अंदर रखा हुआ है उसको कवर करके, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन एक ऐसी कंट्री है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मानते सब लोग हैं, और वो कौन सी कंट्री है? यूके है। कौन सी कंट्री है? यूके, यानी लंदन। यानी लंदन एक जगह है यूके, वहाँ मालूम होगा कैपिटल है यूके का, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं। सर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? उसी तरह से जैसे किस किस कॉन्स्टिट्यूशन का जो है रिटन है, जैसे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और पाकिस्तान का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइल यूके का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ कहीं नहीं है, बट ये रूल्स बनाए गए हैं, लोगों को ये बात माननी फॉलो पड़ती करते है, फॉलो करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप लोगों को लग रहा है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप पूछ लीजिएगा ईमानदारी से, क्योंकि थोड़ा हमें कोशिश करनी कि हम 40 पेज कवर कर पाएँ, ताकि आपका पॉलिटिकल जो
मेन मेन क्वेश्चंस हैं और उसके जो टाइप हैं आपको समझ में आए। और देखो ये महानुभाव लोग लेट आते हैं, ये एक अलग समस्या है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इट्स मेंबर्स वेयर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिशर्स, जब हम लोगों का देश आजाद हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन किया गया था, लेकिन इंडिया में एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये बात कहा था किसने? सचिदानंद सिन्हा ने कहा था। किसने बोला था? सचिदानंद सिन्हा ने कहा था। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, हालांकि सचिदानंद सिन्हा जो थे परमानेंट नहीं थे, परमानेंट मेंबर नहीं थे, ठीक है, उनको प्रोविजनल मेंबरशिप दी गई थी, प्रोविजनल प्रेसिडेंसी दी गई थी। ठीक है, तो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद। खैर मुझे याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरे पिताजी का नाम है, तो मुझे याद करने की कभी जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन प्रोविजनल कौन थे जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था? उस समय सचिदानंद सिन्हा थे, लेकिन बाद में जब परमानेंट मेंबर बनाया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस प्रोसेस में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाया गया तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने बोला, सचिदानंद सिन्हा ने तो वर्कआउट किया, लेकिन ये बात बोला किसने कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था? एम एन रॉय ने बोला था। किसने बोला था? एम एन रॉय। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये प्रपोजल पसंद आया, एक्सेप्टेंस हुई, उस पर वर्क किया गया 1 साल। ठीक है, 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इस प्रोसेस आगे थोड़ा बात करते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें मेंबर्स कौन कौन थे? जो भी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बने थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो वो कैसे हुए थे, तो वो इलेक्ट कैसे होते थे, या फिर कैसे उनको प्रोफाइल दिया जाता था? तो उनको इलेक्ट किया जाता था बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस। मैं आपको इस प्रोसेस में एक बात बता दूं कि उस समय पे हमारे स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, हमारे क्या होते थे? प्रोविंसेस होते थे। क्या होते थे? प्रोविंसेस होते थे। 1 सेकंड वेट करना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था तो वो कब बनाया गया था? 2 सितंबर 1946 को बनाया गया था। कब बनाया था? 2 सितंबर 1946 को बनाया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हो इंडिया में, ये बात एम एन रॉय ने कही थी। कब कही थी? 1934 में कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उस समय पर अगर हम बात करें तो उस समय पर हमारे पास स्टेट्स नहीं होते थे, क्या होते थे? प्रोविंसेस होते थे। क्या होते थे? प्रोविंसेस होते थे। समझ में आ रही बात सबको? क्या होते थे? प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस हाँ। तो लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, कंस्टिट्यूशन इंडिया का बनेगा, संविधान बनेगा, लेकिन उनके मेंबर को इलेक्ट किया जाता था। और इलेक्ट कौन करते थे? जो जैसे आज आप लोग बोलते हो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, राइट? लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं उसको एमपी बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, और वो उनका पावर पूरे कंट्री पे होता है। जो एमएलए होते हैं उनका पावर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, स्टेट के लिए होता है या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। समझ में आ रही बात? यस और नो? ठीक है, तो उसी टाइम पे हमारा जो पूरा कंट्री था स्टेट्स के हिसाब से था। वो तो बाद में फॉर्मेशन किया गया, सारी चीजें टूट टूट के बढ़ता गया, लेकिन उस समय पे सारे एमएलएस मिल करके कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया। और वही एमएलए लोग जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं? मेंबर ऑफ पार, एक पर्टिकुलर आदमी को अपॉइंट करते हैं जो क्या बनते हैं? मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट। चलिए थोड़ा सा हम आगे बात पार्लियामेंट। करते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, नवंबर 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था। उस टाइम पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स 389 थे, ठीक है। जिसमें कि इंटरेस्टिंग बात यह थी, आप लोग देख भी रहे हो ना, यहाँ से ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उस समय की इंटरेस्टिंग बात, चीज़ें मुझे बहुत चीज़ें पढ़ानी है लेकिन टाइम हमारे पास बचता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ था जी? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, नवंबर 1946। लेकिन उस समय पे अच्छा कौन से प्लान के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हुआ था। जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें टोटल स्ट्रेंथ कितना था? 389 था। लेकिन इस इंटरेस्टिंग बात ये था कि हमारे जो क्रांतिकारी भाई लोग थे, वो लोग, उन्होंने डिमांड तो कर दिया कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सब कुछ सेपरेट चाहिए, हमें पावर्स चाहिए, हमें सारी चीज़ें चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ओके तो कर दिया, ठीक है, उन्होंने कंफर्म कर दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह था कि 296 सीट्स किसको था? ब्रिटिशर्स को था, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के थे, ठीक है, 296 सीट्स, जिसमें कि 296, ठीक है, कन्फर्म लिए गए और 11 गवर्नर्स बनाए गए, ठीक है। उसमें से कुछ चीफ कमिश्नर्स भी बनाए गए अलग अलग प्रोविंस के थ्रू, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इन द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कितने थे? 296 थे, जैसे कि टू आपने नाइनटी पढ़ा, सिक्स 296। इंटरिम पार्लियामेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय पर पावर किसका चल रहा था? पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं था, किसका था? ब्रिटिशर्स के थे, इसीलिए हम इंटरिम के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं था, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म 2 सितंबर 1946, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बताया था ना 10 सेकंड पहले, कि 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसमें कि 296 मेंबर्स इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थे, और 296 मेंबर्स कहाँ से आ रहे थे? दे आर कमिंग फ्रॉम विच प्लेस? ब्रिटिश गवर्नमेंट। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the first Central Legislative Assembly constituted? First Central Legislative Assembly का formation first time कब हुआ था इंडिया में? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बुक आती है घटना चक्र, नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, घटना चक्र सुना है आपने? हिंदी में आता है वो, तो घटना चक्र में सब चीज़ें हिंदी में दी रहती है, क्वेश्चन के नीचे इसी तरह से बॉक्स में आंसर बना के दिया जाता है, बट वो चीज़ें सारी चीज़ हिंदी में होती है, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत बहुत आती है पढ़ने में। तो उसी तरह से मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ के हिसाब से बता रहा हूँ, जिसका एक्सप्लानेशन और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, ये आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटेड? तो 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का कंस्टिट्यूट किया गया था या फॉर्म किया गया था, जिसको आज हम अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल और बता दूं, जैसे अपर हाउस किसको बोलते हैं? हम राज्यसभा को बोलते हैं, और लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। क्या ये बात आपको लोकसभा पता है? ये सब चीजें हम बनाए तो बाद में हैं, ये बात सच है, बट ये परंपरा जो है ना बहुत पहले से चला आ रहा है, जरा समझते हैं इस चीज को कैसे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोला जाता था, आज जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, उस समय पे उसका नाम क्या था? सेंट्रल, सीएलए के नाम से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से हम जानते थे, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, एंटायर प्रोसेस को, यानी पूरे सिस्टम को हम इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस, एक बात और हमें ध्यान रखना, ये सारा चीज मॉनिटर मैनेज कौन कर रहा था? ब्रिटिश इंडिया कर रहा था। ब्रिटिश इंडिया मतलब रूल तो इंडिया में कर रहे थे, लेकिन सिस्टम किसका चल रहा था? ब्रिटिश का, ठीक है। ब्रिटिश लेकिन बनाया गया था कौन से एक्ट के हिसाब से? एक्ट कौन सा चल रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। और एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि ये चीज जब एक्ट बनाया गया था तो किस रिफॉर्म के थ्रू बनाया गया था? तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू ये बनाया गया था। बहुत सारे हमने एग्रीमेंट साइन किए थे, बहुत सारी चीज़ें, एक्ट्स बनाई गई थी, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएं, मैं बताऊंगा आपको मोंटेगो चेम्सफोर्ड के बारे में, क्योंकि अगर मैं अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम कम बचेगा हमारे पास, ठीक है। फ्रेडरिक वाइट जो था फर्स्ट प्रेसिडेंट था, और जबकि विट्ठल भाई पटेल जी जो थे सेकेंड प्रेसिडेंट थे। आप देख रहे हो पहला इंसान कौन था? एक ब्रिटिशर्स था, और दूसरा कौन था? हमारे इंडियन इंडियन। इंडियन थे,
1921 में हमारा फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हुआ था। ठीक है, मैं चाहूँ तो सिर्फ आंसर आंसर बोल दूँ बट उससे मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं जितना कोशिश करता हूँ कि कवर कर पाऊँ। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ, किसके स्कीम, कौन सा स्कीम था? कैबिनेट मिशन प्लान, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि कौन सा प्लान था ये, कैबिनेट मिशन प्लान। मिशन मिशन प्लान अभी शायद मैंने आपको कहीं बताया भी था, देखो कहीं पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ देखो, यहाँ पे द कंस्टिट्यूट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड नवंबर अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान दिख रहा है। तो आप सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे ना तो उससे काम चलने वाला नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? इसके अंदर जो बॉक्स में लिखा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बॉक्स से ही चीजें घुमा फिर के क्वेश्चन पूछी जाएगी। क्या आपको समझ में आ रही बात मेरी? यस और नो? ठीक है, यस सर, तो ये बॉक्स में जो लिखा है दिस इज वन ऑफ द हाँ सर, शॉर्ट नोट्स। आप थ्योरी पूरा पढ़ लोगे लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं करोगे तो भी फायदा नहीं, ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लिए और कुछ छूट गया उसका नोट्स नहीं बनाए तो भी कोई फायदा नहीं। तो बेटर यही है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की तरह नोट्स के रूप में चीजों को लिखें। आगे बात करते हैं, कोई निशी नाम की स्टूडेंट भी है क्या? न्यू स्टूडेंट निशी नाम की है क्या? निशी, निशा कोई? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। लोग टाइम पे नहीं आते हैं, देखो कितना प्रॉब्लम आती है। नहीं एयरफोन नहीं है क्या? आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास? तो कैबिनेट मिशन प्लान समझ में आ गया सब लोगों को, नवंबर 1946 में स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आज बनाया जाता है बट इसका प्रपोजल बहुत पहले आ चुका था कि हमारे देश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होना चाहिए। ठीक है, जो पूरा का पूरा फाइनेंस को ऑडिट करेगा और चीजों को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ऐसा अथॉरिटी होता है। तो देखिए देखिए, अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो इसके साथ साथ मैं आपको वो टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ जो हमारे पास आता है कि क्या क्या चीजें हैं और किसके अंदर आता है। कभी कभी तो सीधा सीधा यही पूछ लेते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे? आर्टिकल 140 से। कोई रेलवे का एग्जाम अगर कोई बच्चा दे रहा है तो सीधा सीधा पूछ लेता है, पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है। हालांकि मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जितना कर पाते उतना देखिए। जिसमें कि वो क्या करता है, सारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ बाहर से मंगाते हैं तो हमारा खर्च होता है, जब हम कोई चीज़ बाहर भेजते हैं तो हमारा क्या होता है, कमाई होती है। ये सो नो, बट ये पूरे प्रोसेस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पूरी कमाई का और पूरा खर्चा का वाही खाता या जोड़ घटाओ जितनी भी चीजें करती है वो कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर। हालांकि इनके साथ एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं बट जो चीफ होता है, जो हेड होता है, ठीक है। देखो ये खटर पिटर मत करो, हाँ क्योंकि सर देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दो जरा, हाँ एकदम बिल्कुल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ भेज दो, वो हमको पढ़ना था इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, बाकी लोग को भी पढ़ना है, ठीक है ना? तो मैंने पीडीएफ भेज रखा है ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। आई होप कि व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो आपको भेजना था ना व्हाट्सएप पे, 130 का बैच है ना आप लोगों का, एक सेकेंड। वही ग्रुप सर, ये खटखट मत करो भाई, नहीं सर मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो भी कर रहे हो। ये विशाल आपकी साइड से आवाज आ रही है, तो देखिए इधर हाँ सॉरी सर, खटर पिटर ना कीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्योंकि ये फिर वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रही है? जो रिकॉर्डिंग चल रही है रिजेक्ट सर हो, सर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर सब लोगों को सफर करना पड़ेगा। सॉरी सर, आगे बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल? ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होना चाहिए कौन से एक्ट के हिसाब से है? एक्ट ऑफ 1919, 1919 के एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एक अपॉइंट करता है सीएजी। किसको अपॉइंट करता है? सीएजी। सीएजी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आर्टिकल कौन सा है? 147 है। और अगर हम बात करें कौन से पार्ट, चैप्टर 5 सब पार्ट
सेवन बी ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल कौन से में से 147 आर्टिकल फोर्टी और कौन अपॉइंट करता है। एग्जाम में अगर आपको थोड़ा टफ बनाना पड़े तो पूछा जाएगा कि हु अपॉइंट द कंट्रोलिंग ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जी आज, पहले उस समय की बात है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, बट आज के डेट में उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि अब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जैसा कुछ जैसा टर्म नहीं है, अब सीधे सीधा प्रेसिडेंट इज द होल एंड सोल अथॉरिटी हु अपॉइंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर बाबा राजेंद्र, साहेब अम्बेडकर, क्या बात करते हो यार, अभी बोला ना तुम लोगों को, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने तुम लोगों को ये भी बताया कि एम एन रॉ ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बी आर अम्बेडकर जी ने और हाँ कहा, लेकिन उसे प्रेसिडेंट किसको बनाया गया उसके था? बाद उनको आइडिया है। हाँ, फिर अरे ये तो राइटर आदमी थे जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे राइटर आदमी थे, मतलब ही हैज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नथिंग बट एज ऑफ नाउ वट वी से इज द राज्यसभा, राइट राइट, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो उस प्रोसेस में ये जो इसके जो प्रेसिडेंट थे, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज व्हाट? इट्स ही इज द चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिड यू गेट माय पॉइंट, यस और नो? एज ऑफ नाउ इफ यू टॉक अबाउट नाउ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर मिस्टर रामनाथ कोविंद, यस और नो? तो कोविंद यस, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मीटिंग अटेंड करने के लिए 211 लोग आए थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, ये सुनो 5 मिनट पहले, ठीक है। उन्होंने टेम्प्रोरी, मैंने आपको बोला था कि उनको वो परमानेंट नहीं थे, बोला था ना मैंने आपको, बोला था ना कि वो परमानेंट नहीं थे, टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनाया गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को, राइट। लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद 9 दिसंबर को टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो? लेकिन उसके 2 दिन के बाद ही, देखो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जी बन गए प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एच सी मुखर्जी बन गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और डॉक्टर सर बी एन रॉ को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। एडवाइजर मतलब कुछ मेंबर्स बढ़ाने हैं घटाने हैं, इसकी जरूरत है, जो भी चीजें को होता है ना उसको एज एन एडवाइजर के रूप में रखा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अलॉन्ग विथ विच मेंबर वॉज इलेक्ट, या फिर हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1946। तो क्या आंसर आएगा? सर बी एन राव। ये क्वेश्चन बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो बच्चे लगा देते हैं ठीक, लेकिन एस बी एन राव जी का नाम याद लोगों को नहीं रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, बता दीजिए जी, चेयरमैन कौन थे भाई? चेयरमैन कौन था? लाल बहादुर, डॉक्टर लाल बहादुर, क्या लाल बहादुर, राजेंद्र प्रसाद, अभी तो बोल डॉक्टर रहे हैं राजेंद्र, लाल बहादुर से कुछ भी बोलते हो, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, दिमाग भी लगाओ, चला 3 बार तो बोल चुका हूं मैं। हेड 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 किसको बोला जाता है? चेयरमैन को बोला जाता है ना, बिल्कुल। नाम बदल देगा तो तुम फिर मतलब खाली मीनिंग मतलब फॉर्मेट बदल देगा, अब बोल देगा हु वाज द चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946, तो तुम पता चला जवाहरलाल नेहरू लगा दोगे ठीक, तो तुम है जी। राजेंद्र अरे भाई नाम बदलने से नहीं, कुछ नहीं होता है, चीफ नहीं बोलो, सर हेड जितना लगा दे, हेड बुला दे, डायरेक्टर बोल दे, चेयरमैन बोल दे, सब वही है सब। देखो एक ही क्वेश्चन को 4 बार घुमा घुमा के पूछा है बच्चों को, ठीक है। आगे बात, टेम्पररी चेयरमैन तो सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, हाँ टेम्प्रोरी चेयरमैन थे, दो लेकिन दिन के लिए। तो सिर्फ हाँ 2 दिन के लिए थे, लेकिन 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये महानुभाव लोग ना, ये लोग आते जाते रहेंगे जैसे एकदम, क्या बोलूं मैं, चलो आगे देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये तो अपनी बात होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जरा आप मुझे हाँ ईमानदारी से हाँ बताएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्मेशन हुआ था?
1946, ये तो ईयर बताया, महीना कौन सा था, दिसंबर, दिसंबर, नाइन कितना दिसंबर, 9 दिसंबर शायद से सर। दिसंबर, चलो ठीक है आगे बात करें। ओके नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इमेजिन्स द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो इमेजिन्स ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज इट्स आइडियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ। सिर्फ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि हमारे सोसाइटी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात किस चीज को डिनोट करता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, राइट, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, चारों चीजें इसके अंदर आएंगी, इसीलिए हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी बोलते हैं। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आपके सोसाइटी में कोई कुछ कहता है, किसी का पर्सनल मैटर होता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो आप भी जवाब देते हो ऐसा मत करो वैसा मत करो, अपने अपने आइडियाज देते हो कि नहीं देते हो, बोलो देते हो कि नहीं। हाँ भाई भाई, लड़ाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बोलते हैं ना, हाँ सर, ठीक है। क्यों, वो किसने हक दिया आपको बोलने के लिए, दूसरे के पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किसने हक दिया आपको? अरे भाई, दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ने दो उनको, तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये चीज तो हमारे गवर्नमेंट में लिखा है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम जो चाहे बोल सकते हैं, सही का साथ दे सकते हैं, गलत के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं। तो जब हमारे गवर्नमेंट में ये लिखा है तो सोसाइटी में नहीं होगा, बोलिए यस और नो, बोलने का हक। हम बोलते हैं ना, अरे हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमें बोलने का हक है, गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, बोलते हैं कि नहीं, हम छोटे छोटे मुद्दे को भी हम बोल देते हैं, यस और नो। ये बात सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं रूल होता है बल्कि ये हमारे सोसाइटी में भी, तो ये सब चीज़ किसके लिए होता है, देखिए जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया और इक्वालिटी हो गया, और क्या हो, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड, म्यूचुअल सपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है, विद इन ए ग्रुप, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अगर मैं हिंदी में पूछूं फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भ्रातत्व, क्या बोलते हैं, भ्रातत्व मतलब भाईचारा जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करें, यस, तो चारों चीजें होंगी। नेक्स्ट, इंडियन कस्टम वर्क्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, ई, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, JLF, जलेफ, ठीक है। आगे बात, लिबरलाइजेशन इज अ सिंबल ऑफ, लिबरलाइजेशन इज अ सिंबल ऑफ किसका, ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब, सॉरी लिबरलाइजेशन बोल रहा हूँ, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, जरा कोई बताएगा मुझे, व्हाट डू मीन बाय द टर्म लिबरलिज्म इन हिंदी, बोलो। फ्रीडम, अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? फ्रीडम ऑफ सोशल सर, फ्रीडम, अच्छा जो लिखा है वही पढ़ दिए। लिबर्टी लिबर्टी टू मूव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखो ये ठीक है, इसमें क्या होता है जरा समझिएगा, इसका मतलब होता है फ्रैंकनेस, क्या होता है, फ्रैंकनेस, कहने का मतलब आप जो अपनी बात, इसको वैसे तो हिंदी में उदारतावाद कहते हैं, ठीक है, लेकिन उदारतावाद आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, डोंट नो। इसका मतलब ये होता है कि आप फ्री हो जो अपनी बात है लोगों के सामने कह सको, यस और नो। अब हम फ्रीडम नहीं बोल रहे हैं, फ्री का मतलब ये हो रहा है विद इन द प्रोटोकॉल्स, राइट, आप जो भी कहो आप अपनी बात रख सकते हो, यानी आप, कुछ लोग इसको फ्रैंकनेस बोलते हैं ना, कि बी फ्रैंक, फ्रैंक होके बोलो, घबराओ मत, जो सच बात है वो बताओ, है ना। तो इज ए सिंबल ऑफ किसका, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोसाइटी में हो या पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कुछ भी हो आपके पास, वो क्या है, फ्रीडम है, ठीक है, क्लियर है, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फ्रीडम है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, ना केवल अपने सोसाइटी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, बल्कि पूरे देश के लिए भी हम इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी का, वेयर कैन वी सी द वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट टू तो है ही नहीं ऑप्शन है, पार्ट थ्री और पार्ट फोर, ठीक है। आपको पता है कि जब, अगर आपको जानना हो कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है, हमें क्या क्या फैसिलिटी मिला है, तो हम प्रियम्बल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, यस और नो, यस और नो, बोलो,
प्रिम्बल ऑफ इंडिया जानते हैं, यस और नो? तो प्रिम्बल ऑफ इंडिया आप लोग सर। स्कूल में पढ़ाया भी जाता होगा, या कभी कभी आप लोगों को बोला भी जाता होगा प्रेयर वगैरह में, प्रिम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यस और नो? सारी वी चीजें, द पीपल ऑफ इंडिया। ये देखो, ये इंडिया का नहीं आ रहा, हाँ ये रहा, ठीक है ना। रिजॉल्व टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, देखो डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू ऑल सिटीजन्स। हालांकि मैंने पूरा नहीं ओपन किया, आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। तो ये जो डेमोक्रेटिक जो टर्म है इंडियन डेमोक्रेसी का, ये कौन से जगह पे लिखा गया है? प्रियम्बल में लिखा गया। कहाँ लिखा गया है? प्रियम्बल में लिखा गया है। समझ में आ रही बात? आपको दिखाया भी मैंने, देख रहे हो ना, डेमोक्रेटिक, यस और नो? ठीक है, तो अब इंडियन डेमोक्रेसी की क्या क्या वैल्यूज है वो सारे हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। जैसे द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम वेयर द डॉक्यूमेंट्स डिराइव इट्स अथॉरिटी एंड मीनिंग फॉर द पीपल। प्रियम्बल ऑफ इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये चीजें कहाँ कहाँ से ली गई है ये भी बताई गई है, और उसकी क्या वैल्यूज है वो भी बताया जा रहा है। प्रियम्बल ऑफ इंडिया लिख करा दिया तुमने, सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू करो ना। अरे कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, मैंने ध्यान से उतर गया सर था। ये भेज दो सर। अरे वो डाउनलोड करो ना तुम, भेजने की क्या जरूरत है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देख लेना तुम, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें सब चीजें लिखी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सॉवरेन लिखा हुआ है, आप डेमोक्रेटिक देख रहे हो, रिपब्लिक देख रहे हो, लिबर्टी देख रहे हो, यस और नो? हाँ सर दिख है रहा ना, है। दिख रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर सब डिफॉल्ट, ये सारे टर्म्स आपके किसमें देखने को मिलेंगे? प्रियम्बल ऑफ इंडिया को के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? ये क्वेश्चन कट गया है क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं, कट गया कट गया भाई, नहीं कटना तो नहीं चाहिए यार। हाँ यहाँ तो लिखा है, कौन सा क्वेश्चन है वो? यहाँ देखो, इधर देखो, नेक्स्ट, यही क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है ना, यस और नो? क्वेश्चन 15 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा देश, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था उस समय पे कौन सा वर्ड ऐसा था जो मेंशन किया हुआ हमारे प्रीएम्बल में नहीं था? ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सोशलिस्ट, कौन सा वर्ड ऐसा था जो वर्ड नहीं था? तो इन 1976 द 47 अमेंडमेंट एक्ट बना था जिसमें चेंज दिस टू रीड सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ कर दिया, डेमोक्रेटिक लिख दिया यहाँ पर, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो उसमें कौन सा वर्ड ऐसा नहीं था जो नहीं जुड़ा हुआ था? सोशलिस्ट। लेकिन सोशलिस्ट वर्ड आपसे पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि सोशलिस्ट वर्ड हमारा प्रियम्बल में बाद में जोड़ा गया, लेकिन जो जोड़ा गया कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया, तो आप क्या बोलेंगे? 42nd 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। फिर से क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, लेकिन कौन से ईयर में जोड़ा गया था? तो क्या आंसर आया? 76। 1976। चलो आगे बात करते हैं, ज़्यादा अपन टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ये वैल्यूज आप लोगों को समझ में आ ही गया था, आगे बात करते हैं। ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये तो हो गया, इसका कर लिया हम लोगों ने। व्हेन डिड इंडिया बिकम ए कंप्लीट सॉवरेन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बताइए। आपको एक बात समझना होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था और हमारा लॉ पास हो चुका था, यानी कब कंप्लीट हुआ था जी? 26 नवंबर 1949। समझ में आ रही है बात, यस और नो? आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो गया था, यस और नो? नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता ही रहा हूँ आपको इसमें क्या दिक्कत है। 26 नवंबर 1900 क्या 49, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हमारा इंडिया जो है पूरी तरह से रिपब्लिक बन चुका। वैसे आप देख लो, आजाद तो हम 1947 में ही हो गए थे, यस और नो? 1947 में, लेकिन पूरी तरह से आजाद थे भी नहीं। पूछो क्यों, बोलो भाई क्यों भाई? क्योंकि उस समय क्यों पे कुछ ब्रिटिशर्स भी थे हमारे गवर्नमेंट में। आपको पता है आरबीआई का जो गवर्नर था, ठीक है, सीडी देशमुख जी फर्स्ट गवर्नर थे, लेकिन सर ऑसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, जब 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो बहुत सारी चीजें थे, हमने
अब सवाल यह, वो ब्रिटिशर्स लोग बहुत स्मार्ट थे, बता देता हूँ मैं क्यों स्मार्ट थे। उन्होंने बोला कि ठीक है जी, मैं तुमको आज़ादी घोषित कर देता हूँ, मैं आज़ाद करता हूँ, लेकिन अब एक बात बताओ, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हालांकि एग्जाम्पल पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, मेरी बात समझ रहे हो सब लोग, यस और नो? हस्बैंड वाइफ है, समझ रहे हो मेरी बात? अब उन दोनों के बीच शादी हुई और एक बच्चा पैदा हो गया, दो बच्चे पैदे हो गए, ठीक है? अब हस्बैंड वाइफ के बीच बनती नहीं, जरा समझना, हस्बैंड वाइफ के बच्चे बीच बनती नहीं, ठीक है? और फिर वाइफ बोलती है मुझे तुमको तलाक देना है, क्या देना है? तलाक देना है, और मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे। तो मुझे बताओ, हस्बैंड बोलेगा ठीक है मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन तलाक लागू उस दिन से होगा जिस दिन तुम 50,000 पगार महीने का कमाओगी और बच्चों को पालने की औकात रखती हो। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आ रही बात? वैसा ही, अब देखो इस स्टोरी को जरा अच्छे से समझना। ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखो भाई, उस समय लगभग आई थिंक 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की शायद रहे होंगे वो लोग, 27-28 लाख तो वही लोग थे। तो कहने मतलब उस समय वो बोले कि ठीक है जी, मैं आज़ादी तो दे दूंगा आपको, चला भी जाऊंगा, लेकिन जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा कि देश को चलाओगे क्या, क्या एक्ट होंगे, क्या रूल होंगे, कोई कानून नाम की चीज होगी कि नहीं होगी, जब तक आपका कानूनी चीजें, सारी चीजें रेडी नहीं होगी कि आप देश को चलाओगे कैसे, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू मैं आपको कैसे पावर दे दूँ, मिस्टर M.K. गांधी जी आपको मैं पावर कैसे दे दूँ, इतना साल से मैंने चलाया, इतनी बिल्डिंग्स बनाए, इतनी चीजें की, मैं आपको ऐसे कैसे दे दूँ? मैं तो आपको तब दूंगा ना जी जब आप सरकार को, पूरे देश को चलाने लायक बनोगे। और लायक बनोगे तो कोई रूल्स बनाइए, कोई क्राइम हुआ, कुछ हुआ, तो यू नीड टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो बोलेगा ठीक है जी बनाते हैं। तो B.R. अम्बेडकर जी ने जिम्मेदारी ले ली कि साहब माइंड योर लैंग्वेज, डू यू नो हु एम आई? समझ रहे हो, B.R. अम्बेडकर जी बहुत पावरफुल आदमी थे। और अभी कल ही था ना उनका, ये क्या बोलते हैं उनका, अंबेडकर जयंती आज अम्बेडकर है, जी, बहुत 14 अप्रैल को बहुत आ रही है। पावरफुल आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट, अंबेडकर जयंती, हाँ बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट थे वो, ठीक है? मैं तो मेंशन भी नहीं करना चाहता हूँ कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बट आप खुद समझदार हो, जो पूरे पूरे देश में चश्मा लगाने वाले आदमी एक वही थे। जो आदमी जो 5 पावर का चश्मा लगाएगा तो इंटेलिजेंट होगा ना जी। सर तो समझ लो कितनी पढ़ाई लिखाई करते होंगे उस समय पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जैसे जोक्स अपार्ट। तो कहने का मतलब ये, B.R. अम्बेडकर जी ने बोला नो वरीज, आप दो, जिस दिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो जाएगा ना, गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू। तो बोले ठीक है जी, बना दिया। 1 साल 11 महीने 18 दिन लगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ उस दिन हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 26 नवंबर 1949 को मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया, और हम पूरी तरह से वो लॉज एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी थे, ठीक है? समझ में आया सबको बात, यस और नो? चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप क्वेश्चन 16 देखिएगा, व्हाट इज पॉपुलर सॉवरनिटी? पॉपुलर सॉवरनिटी किसे कहते हैं? इसमें तो ऑप्शन ही सर गलत। एक हाँ बोलो। चीज पूछना था, वो कंप्लीट कितने टाइम लगा था? 1 ईयर 11 मंथ्स, 1 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, ये एटीन क्वेश्चन डेज ओके एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है? करेक्ट करेक्ट 1 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है? तो सिर्फ सर। बस 13 दिन और हो जाता है 2 साल पूरे जाते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है ना? क्योंकि 31 का महीना होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 11 महीना तो बहुत बीत गया, नवंबर बीत ही चुका था, दिसंबर स्टार्ट हो चुका था, तो 18 दिसंबर बिल्कुल तक मोटा मोटी पकड़ के चलो हो गया था। 13 दिन और अगर हम कर लेते हैं ना 31 दिसंबर तक, तो 2 साल लग जाता दो हमारा। साल चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जरा समझिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूंगा आपको। आपने लोढ़ा में एक फ्लैट खरीदा, क्या खरीदा? एक फ्लैट खरीदा, समझ में आ रही है सबको फ्लैट बात? आपको बोला सर। गया कि सर बिल्डिंग रेडी है, सब चीजें रेडी है, बट पोजेशन मैं आपको ठीक है 1 महीने बाद दूंगा। तो बोले क्यों भाई? भाई बिल्डिंग रेडी है, सब लोग पार्क सब कुछ हो गया, फिर हमें इतना लेट पोजिशन क्यों दे रहे हो? बोलेगा साहब जी, सोसाइटी तो बनने दो, थोड़े बहुत काम और बचे हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो रेडी था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है? यानी 26 नवंबर 1949 तक हमारा प्रियम्बल इनेक्ट हो चुका था, लेकिन स्टार्ट होना कब शुरू हुआ? 26 जनवरी छब्बीस उन्नीस सौ जनवरी पचास 1950
यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया, प्रियम्बल रेडी कर लिया, सब रेडी कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी भी आप लोगों को पता है मुंबई में लॉकडाउन है, यस और नो, है ना? बट क्या हाँ सर, मोदी जी ने बोला कि देश में लॉकडाउन है? नहीं नहीं बोला, तो लॉकडाउन आज पूरी तरह से नहीं तो है सर, भी नहीं। आप देखते हो कि सीएम ने कुछ बोला। सीएम ने बोला, फिर भी थोड़े बहुत लोग आप आ जा रहे हैं। बात समझ में आती है? वही चीज कि अगर यही चीज मोदी जी बोल दें रात में 5 अप्रैल 2021 लीगल होगा फिर? से जनता कर्फ्यू लागू है, उसके बाद देख ला कोई आदमी निकल जाए तो मतलब हमारा डॉक्यूमेंट तो रेडी था 26 नवंबर 1949 को, सारी चीजें ओके थी, बट इम्प्लीमेंट हमारा 26 जनवरी 1950 में हो गया, ठीक है? और 26 जनवरी 1950 में हुआ, और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे? सर रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, ठीक है, आगे रिपब्लिक आगे, डे, रिपब्लिक डे। हाँ ठीक है, ये रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक है, ठीक है, तो कुछ भी सुन सकते हो, भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर भी, ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बना, एक तो आपको पता चल गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट लगा था 1976 में, वो तो आपको खैर समझ में आ ही गया, और वो ही एक बार हुआ था, उसके बाद चेंजेस प्रियम्बल में नहीं की गई थी। और आपसे जरा मैं एक बार जल्दी से पूछ लूं कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा वर्ड ऐसा था जो जोड़ा गया, जो जोड़ा गया? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, वेरी गुड, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है? तो द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटेड, देखिए कहने के लिए तो उसके अंदर ऑप्शन भले ना थे, लेकिन तीन वर्ड जोड़े गए थे टोटल। उस समय ऑप्शन में सिर्फ सेकुलर इंटीग्रिटी नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम देखें प्रियम्बल और अमेंडेड 1976, तीन वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और क्या, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रिटी, तीन वर्ड्स को जोड़े गए थे। टोटल 3 वर्ड्स वेर एडेड इन अकॉर्डेंस विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946। आगे बात करते हैं, देखो भाई ये कौन है जिसका थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला आवाज आ रहा है? कौन, पंखा चला के बैठे हो क्या? टेबल फैन बंद चला के बैठे हो क्या? बंद करो, नहीं सर, म्यूट है। जो है ऐसा कोई प्राणी जो पंखा उंखा, हाँ विशाल तुम्हारे साइड से आ रहा था, ठीक है, पंखा उंखा ना चलाओ यार, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि मामला खराब हो गया। आगे देखते हैं, एसी है तो चला लो, नहीं तो 1 घंटा कष्ट कर लो, खिड़की वड़की चला लो, कोई खिड़की खोल लो, पंखा उंखा ना चलाओ, और अगर पंखा काम नहीं कर रहा है तो एक बढ़िया सा पंखा खरीद लो, साइलेंट प्रो, क्रोमटम कंपनी का भी ऐड आ रहा है टीवी पे, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। द वर्ड फेडरल इज नॉट यूज इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट अंडर आर्टिकल 1 इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो हम बोलते जरूर है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन यूनियन वर्ड का इस्तेमाल प्रियम्बल में नहीं किया गया है, अगर आप देखेंगे तो। हाँ सर, नहीं आप है। देख लो यहाँ पे कहीं भी जो है ना यूनियन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। वो बात अलग है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इंडिया को, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, मतलब अमेरिका को बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इंडिया को, दैट्स ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये भी बात सच है, लेकिन यूनियन वर्ड प्रियम्बल में मेरे है ही नहीं कहीं। यूनियन वर्ड हमारे प्रियम्बल में कहीं है ही नहीं, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना? चलिए तो द वर्ड फेडरल, वो तो कमान समझ में आ गया आपको, ठीक है। आर्टिकल 1 में आपसे, जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे तो आपसे बताया जाता है कि इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट, उसी के अंदर सारे पावर्स आपके दिए जाते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी और एडल्ट सफरेज। सर एडल्ट सफरेज ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। वो अच्छा एट अब आपको जरा समझिएगा, आप बोलो सर ये एडल्ट सफरेज है क्या, तो चलो जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ये तो है ही। एडल्ट सफरेज होता क्या है? आर्टिकल 326 में मेंशन किया हुआ है कि इसमें ये बताया जाता है कि जो भी कंस्टिट्यूट सिटीजन है इंडिया के, टू वोट
फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कि अब देखो वोटिंग के राइट्स तो सबको होती है जैसा नो, लेकिन राज्यसभा के लिए आप कभी दे सकते हो भाई? राज्यसभा के लिए क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है क्या मेंबर के थ्रू? नहीं होता ना। किसमें होता है? लोकसभा के लिए करते हो, लेकिन राज्यसभा तो के लिए तो नहीं करते हो आप। राज्यसभा के लिए तो उनकी टीम करती है, लोकसभा के ही जो एमएलए होते हैं वही करते हैं। यस और नो? तो कौन सा वर्ड नहीं दिया हुआ है? एडल्ट सफरेज। आगे बात करते हैं। द फिलोसफी एंड वैल्यूज ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। ठीक है, जो मेकर्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स कौन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी की? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में अगर हम बात करें, कुछ मेंबर्स का नाम मैं बता देता हूं आपको। बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, ठीक है। एन गोपाला स्वामी अयंगर जी हो गए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, के एम मुंशी जी हो गए, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला हो गए, एम माधवा राव जी हो गए। बाद में उन्होंने रिप्लेस किसको किया था? बी एल विक्टर जी को रिप्लेस किया था, और टी टी कृष्णमाचारी बोलते हैं उनको, कृष्णमाचारी जी थे जो डीपी खैतान जी को रिप्लेस किए थे। ये बी आर अम्बेडकर जी के सपोर्टिंग कमिटी मेंबर्स थे। बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं। तो फिलॉसफी और वैल्यूज किस पे डिपेंड करता है जी? किस पे रिफ्लेक्ट, किस में दिखता है? हमारे संविधान की फिलॉसफी या वैल्यूज किस चीज में दिखती है? हमारे प्रियम्बल में दिखती है। किस में दिखती है भाई? किस में दिखती है? प्रियंबल प्रियंबल बस जवाब दे दिया करो, नहीं तो मुझे लगेगा नेटवर्क चला गया। नेक्स्ट। ठीक है, तो जरा आप समझिएगा चीजों को। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी एंड वैल्यूज ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन इन केस ऑफ बेरुबरी यूनियन 1960 में जो हुआ था, प्रीएम्बल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीएम्बल इज द की टू क्लियर द इंटेंशंस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल, जैसे हम लोग, आप पढ़ते हो महाभारत, पढ़े हो गए है ना, पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक गीता सार होता ना। तुम गीता सार सुने हो ना? गीता सार जो हिंदू लोग हैं में होता है, तुम हाँ व्यर्थ सर क्यों सर चिंता करते हो, क्यों डरते हो, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो वो क्या है, पूरा भगवत गीता का क्या है, वो सारांश है, समरी है। वैसे ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी क्या है? प्रियम्बल है। प्रियम्बल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। व्हाट इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब फेडरल वर्ड प्रियम्बल में यूज किया है क्या? है क्या? नहीं है ना? सर नहीं है। सीधी बात है, सुन, पहला ऑप्शन ही दे रखा था, पार्ट 3 आर्टिकल 368। नो वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज ही नहीं किया गया। इस प्रोसेस में आपको एक बात और बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना, फेडरल स्टेट पे के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, फेडरल के हिसाब से काम करती है। इसका मतलब एक बात और समझिएगा कि कुछ स्टेट ऐसी है जो मना कर दे गवर्नमेंट की बात ना माने, लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है, कोई स्टेट की हिम्मत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना माने? नहीं नहीं, यानी नहीं यूनियन सर ऑफ स्टेट्स, यानी उनको बात माननी ही पड़ेगी सेंट्रल, चाहे वो अपोजिशन पार्टी वाले हों या रूलिंग पार्टी वाले हों, उनको बात माननी ही पड़ेगी। मोदी जी चाहे सही फैसला लें गलत फैसला लें, लोगों को बात वो माननी ही पड़ेगी। हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बात हर हालत में माननी पड़ेगी, कितना भी चिल्लम चिल्ली कर लें, ठीक है। तो लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा रोल पूरी तरह से नहीं है कि भाई हर लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे ही मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जॉय बाइडन अभी है ना, कमला हैरिस है, ठीक है ना, तो उनकी बात सब लोग माने, इस बात की पूरी कोई गारंटी नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ पे वो बात मानी ना जाए, है ना। तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? चलिए फिर से देखो, आवाज शुरू हो गया। अंडर आर्टिकल 1, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एट यूनियन स्टेट्स, फेडरल वर्ड इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार, तुम लोग बड़ा अजीब काम करते हो भाई, क्यों आवाज कर रहे हो? म्यूट कर लो ना, सर तुमको नहीं बोल रहा हूँ, जिसको म्यूट बोल करने के लिए बोला ना उनको। मैं बोल तो रहा ही हूँ, ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लो, जब बोलना हो तो अनम्यूट करके बोला करो, ठीक है। और मेरा स्क्रीन सेव करने की जरूरत नहीं है,
आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्लियर है सबको, यस और नो, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे क्या मतलब, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है, यस और नो? हाँ जी, हिंदी में भारत बोलते हैं इंडिया को, यस और नो? तो यस सर, पार्टिकल वन इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत मीन्स इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया हमेशा स्टेट्स का यूनियन रहेगा और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। बात यूनियन का ही नहीं, बात यूनियन टेरिटरी का भी रहता है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी देयर विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कॉम्प्रोमाइज। देखो, हो सकता है कि कुछ पावर्स, जैसे गोवा की अगर हम बात करें, आपको पता था यूनियन टेरिटरी में पहले काउंट होता था, और कुछ जगह पे जैसे दमन एंड दीव है, दादरा एंड नगर हवेली है ना, ये सारी चीजें हैं। गोवा को छोड़ देते हैं, तो वो तो स्टेट ही है, पहले से भी था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि दादरा नगर हवेली हो गया है ना, गोवा के ऊपर थोड़ा पोर्टुगीज लोगों का शासन था, तो पूरी तरह से वो लोग गए नहीं थे, इसीलिए वो लोग इंडिपेंडेंट थे, ना ही सरकार से कुछ पैसा मांगते थे और ना ही सरकार को पैसा देते थे कमाई का। समझ में आ रही बात सबको? हाँ जी, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। रह रहे हैं इंडिया में, कुछ बात हम मान रहे हैं, बट हमें कमाई से कोई लेना देना नहीं। अब ये बताओ, स्टेट टैक्स जो आता है वो तो हमारे उद्धव ठाकरे जी लेके जाते हैं, ये सर नो बोली, लेकिन इनकम टैक्स है वो कौन लेके जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सर नो? आप टोल टैक्स देते हो, कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है? अरे बोलो, टोल में देते हो ना, टोल का इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन वो किसके खाते में जाता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खाते में जाता है कि सरकार के खाते में जाता है, भारत सरकार के खाते में जाता है? भारत सरकार नालायक, इनडायरेक्ट टैक्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खाते के अंदर जाता है। यानी अब ये बताओ, औरंगाबाद में, औरंगाबाद बोल रहा हूँ, जो भी तुम आम नेशनल वो हाईवे का जाता है, क्या बोल रहे हो? नेशनल नहीं हाईवे नहीं इसका देखो, टोल का। समझो बात को, जरा समझिएगा कि हमें यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन, जब मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कैसे होता है। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो तो एक एक सिस्टम है जिसमें हम नेशनल हाईवेज बनाते हैं और एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है, जो भी चीजें हैं, वो स्टेट इंडिपेंडेंटली वो चीजें करती हैं। ठीक है, उसमें भी रहता है कि चलो ठीक है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम 60% हम रखेंगे, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग भी होती है उनके बीच में, बट कहीं ना कहीं जहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, अब जैसे तुम बिना हेलमेट के चल रहे हो, तुम्हें पकड़ लिया, फाइन डाल दिया 500 रुपया, अब वो बताओ किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा कि उद्धव स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? बोलो कौन सा टैक्स है? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट आप चल रहे हो, गवर्नमेंट के टिकट पास, नहीं कटाए, स्टेट बैंक, टिकट नहीं कटाए, आपको पकड़ लिया, 500 का फाइन लगा दिया या 300 का फाइन लगा दिया, अब वो किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन चूंकि वो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जैसे इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो कुछ पार्ट हो सकता है कहाँ चला जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाए, सेंट्रल और गवर्नमेंट कुछ पार्ट ऐसा रहेगा जो स्टेट गवर्नमेंट में रहेगी। लेकिन रोड है, रोड बनाता कौन है, रोड के कॉन्ट्रैक्टर कहाँ के होते हैं, सारे लोग स्टेट के होते हैं, अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थोड़ी आते हैं उसमें चीज। हाँ, लेकिन कुछ पार्ट चूंकि बाहर जाता है, इसीलिए वो लोग भी फंड्स एलोकेट करते हैं, बजट एलोकेट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें डिटेल हम बात करेंगे जब हम वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे नेशनल पढ़ने में। हाईवे तो पूरा यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ही आता है ना हाँ, सर, नेशनल, नेशनल अरे हाईवे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए बॉडी, राइट, विच टेक्स एंड ट्रैक्स द एंटायर सिस्टम ऑफ द हाईवेज इन इंडिया, विच कनेक्ट्स वन स्टेट विथ इच अदर, राइट? समझ आ रही है कि किस जगह पे होना चाहिए, किस जगह पे नहीं होना चाहिए, किस चीज की जरूरत जहां पे है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नाम ही, जब नाम ही लिखा है नेशनल पहला अक्षर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, खुद ही बताओ, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड्स अलोकेट करती है कि यहाँ पे इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंटर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दो तरीके से होता है, एक होता है विद इन द स्टेट्स, कुछ विद इन द डिस्ट्रिक्ट होता है। अब विद इन द डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट का लुकआउट है ना, है ना? लेकिन विद इन द स्टेट हो रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ से कुछ प्रोडक्ट तुम्हारा गुजरात जा रहा है और गुजरात का कुछ प्रोडक्ट इंडिया आ रहा है, सॉरी मुंबई आ रहा है, तो बताओ उसमें कौन कौन कैसे करेगा मैनेज? गुजरात गवर्नमेंट का लोग पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देगा क्या? चाहे माल वहां से आ रहा नहीं हो,
अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो भी लोग टोल टैक्स भरते हैं वो गुजरात गवर्नमेंट को देंगे क्या कि माल आपके स्टेट में जा रहा है? नहीं, उस ये सीधा सीधा आप लोग अपना अपना देखिए। हाँ, आप लोगों को पैसे की जरूरत है, उसका कुछ पार्ट हमें दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम आप लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ा तो। जब ये सब चीज हम तब पढ़ेंगे जब इंडियन इकोनॉमी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलो आगे बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड, कंपोजिट इंडिया किसमें है जी? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। किसके अंदर? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। ठीक है, अब देखिए एक टर्म तो ये है मेरा यूनियन स्टेट, और एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, दोनों में फर्क है। मेरी बात समझ रहे हो बात? यस और नो? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेडरेशन? फेडरेशन का मतलब क्या होता है? मैं चाहता हूं कि तुम लोग को गूगल में दिखाऊं, ऐसे फील नहीं आएगा तुमको। मीनिंग हिंदी, यस फेडरेशन का मतलब कोई भी अब जैसे इंटरनल मामला है, अब सर, यस इंटरनल सर, मामला में हर चीज इंटरफेयर करता है क्या? अब मुझे बताओ कि एक जगह पे ज्यादा कड़क लॉकडाउन लगा दिया है कल्याण में, डोंबिवली में, और एक जगह पे थोड़ा लूज छोड़ दिया है, तो ये उनका इंटरनल मामला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उद्धव ठाकरे जी का, नॉर्मल यहाँ के जो तुम्हारे नगर सेवक हैं, या फिर ये जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे साहब यहाँ लगाओ क्या लॉकडाउन? इंटरनल मामला है, संभालो खुद ही। घर के झगड़े हस्बैंड वाइफ खुद ही संभालेगा कि बगल का पड़ोसी आके संभालेगा? हैं कि सीधा पापा जी को फोन कर देगा, पापा जी हस्बैंड मुझे बहुत डांटते हैं, हैं? या हस्बैंड बोलेगा देखिए जी आपकी बेटी ना मेरी बात नहीं मान रही, मुझे तलाक चाहिए, ऐसा होता है क्या? मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे जाता है क्या बात? नहीं ना, तो आप समझिए साहब, बाकी आप समझदार तो हो ही। ठीक है, तो अपना इंडिपेंडेंट रखना है, यूनियन टेरेटरी अपनी इंटरनल अफेयर्स के मैनेज करेंगे, लेकिन पावर किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। तो कंपोजिट इंडिया का मतलब क्या हो गया? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स मतलब नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरेटरी एज वेल, राइट? तो आर्टिकल फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है आपका भारत मीन्स विल यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और फर्स्ट शेड्यूल में दिया हो गया है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी भी इसके अंदर शामिल होगा। अंडर आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द भारत मीन्स शैल बी, बताओ जी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यस और नो? अरे बोलो, हाँ सर, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन अगर मैं बोलूंगा यूनियन स्टेट तो गलत बात है, यूनियन स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो फर्क है दोनों में, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोलेंगे तो फाइन है क्योंकि इसमें नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स हो गया है, ये अलग चीज है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोलो या यूनियन ऑफ स्टेट बोलो, लगभग एक जैसा ही है, राइट? लेकिन फेडरल स्टेट नहीं बोल सकते तुम, फेडरल स्टेट बोल दिया तो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कुछ भी, सब अपना अपना मनमानी कर रहा है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोल दिया इसका मतलब इंटरनल अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, बट बड़े मामलों में तो है, तो बहुत फर्क है। हाँ, गड़बड़ करना एग्जाम, जैसे मैथमेटिक्स में वो ट्रिकी क्वेश्चन आते ना, ट्रिकी आते ना ट्रिकी क्वेश्चन, वैसे यहाँ भी ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर। चलो जी अगला क्वेश्चन, फिलोसफी वैल्यूज तो बात हो चुकी है अपनी, प्रियम्बल के अंदर है, ठीक है। फेडरल कहाँ यूज किया है? कहीं भी यूज नहीं किया हुआ, इधर तो कर चुके थे। इधर देखो 27 नंबर पे आ जाओ, द डिविजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियर आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इंडिपेंडेंस ऑफ, हाँ एक सेकंड रुको, सर, अच्छा ये बताओ फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या समझते हो? बताइए आप। हेलो, फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या समझते हो? गवर्नमेंट मतलब सर सरकारी, सरकार तुम तो बोलो ही नहीं, तुम्हारा तो कॉमन सेंस एक्टिव रहता ही नहीं है, बाकी लोग बताओ भाई, सरकारी कुछ भी बोल रहे हो, फेडरल का मतलब क्या है? अरे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक बात बताओ, महाराष्ट्र में या कोई थाने एरिया में या फिर अंधेरी में एक ने किसी को बंदूक से गोली मार दिया, भगवान ना करे ऐसा कोई किसी के साथ करे, तो बताओ ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी सुलझाएंगे?
सर, लोकल स्टेट लोग रहे, गवर्नमेंट की बस पुलिस। यही तो मैं बोल रहा हूँ। अब ये बताओ कि दो, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो गया, तो ये क्या बात सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी? लोकल कोर्ट लोकल कोर्ट्स में सॉर्ट आउट होगा ना? यानी पावर हो या जुडिशियरी का हो, ये सारी चीजें फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बताता है, यानी एक स्टेट गवर्नमेंट ही इस चीज को सुलझा लेगी। इसमें आपको डेमोक्रेटिक करेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है आपको, यानी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, यानी फेडरल मतलब करेक्टर। फेडरल कैरेक्टर मतलब स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल फेडरल मतलब कैरेक्टर। यू हैव टू सॉल्व योर इंटरनल अफेयर्स बाय योर ओन, यस और नो? ओके अब एक बात होता, तुमको बुखार हो जाएगा तो पापा जी के सामने जाके रोओगे या जाकर के तुम दवाई लोगे खरीद के? हाँ वैक्सीन लेगी सर। वैक्सीन लोगे। अच्छा तो कोविड कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए वैक्सीन लोगे, मतलब फील ही आ गया तुम लोग का है? अरे भाई सीधी बात है, नॉर्मल अगर खांसी हुई है या कुछ छोटा मोटा पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, तो विक सेक्शन 500 लोगे, पापा को जाके बोलोगे पापा कांड हो गया घर में, जाके मोदी जी को फोन घुमा दोगे। हाँ आजकल वैक्सीन ही चल रहा है सर, छोटा मोटा खांसी हुआ ना तो वैक्सीन ही लेना पड़ता। वैक्सीन तो लग रहा है तुम्हारे चाचा जी लेकर के बैठे हुए हैं सबको लगाने के लिए। चलो ठीक है, दैट्स किडिंग, ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ ए फेडरेशन, दैट इज टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट मीन्स वॉट? एक स्टेट गवर्नमेंट एंड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। डिड यू गेट माई पॉइंट, येस और नो? वन, डिविजन ऑफ पावर्स। अब स्टेट देखो, थोड़ा मैं जो आपको और बताने की चीजें थी, एक होता है अटर्नी जनरल और एक होता है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों फर्क है या नहीं है? जैसे एक अटर्नी जनरल जो होता है वो देश में किसी का डिस्प्यूट हो गया, जरा समझिएगा, आपको पता है ना लॉ मेकिंग इन द कंट्री, यस और नो? तो अटर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो जब हमारा एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ डिस्प्यूट होता है, जैसे हम बोलते हैं नहीं ये जगह मेरा है, वो बोलता है नहीं ये बॉर्डर मेरा है, तो ये जो जो डिस्प्यूट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट है, क्या वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुलझाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट सुलझाएगी? बोलिए, छोटा सा बात कर दो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बॉर्डर में मान लो किसी का, मतलब एक कंट्री का ही नाम चाहो तो आप ले सकते हो, किसी का भी ले लोगे, ठीक है, जैसे पंजाब है, जैसे कश्मीर वाला एरिया आता है, ठीक है, तो अगर बॉर्डर्स के डिस्प्यूट हैं तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट ही इसको सॉर्ट आउट करेगी या फिर देश भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे अपना स्टेट गवर्नमेंट तो ट्राई करेगी, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास उतने पावर्स नहीं होते, ठीक है, वो हमारा इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाता है फिर मामला, ठीक है, तो दैट इज इट। तो आपको ये बात समझ में आया, एक हो गए स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स और एक हो गए किसके पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर, आप पावर्स। बोल रहे हो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द कंट्री बोल रहे हो ना ना आप, ना, बिटवीन मतलब टू किसी कंट्री, और एक दूसरे बताओ कंट्री से हो गया? अरे मुझे बताओ, बांग्लादेश का बॉर्डर है मान हाँ लो जो ईस्ट पाकिस्तान नाम की जाना अच्छा जाता था, तो वो अगर उस समय हाँ झगड़ा करता पाकिस्तान कि मेरा है मेरा है, मारा है मेरा है, ठीक है, जो मेरा एरिया है, तो अब ये बताओ कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है क्या कि देश से लड़ ले? अब दूसरा देश बोल रहा है, नहीं नेपाल बोलेगा, सर, नेपाल बोलेगा कि ये एरिया मेरा है, जोगबनी एरिया मेरा है, जबकि जोगबनी अपना बिहार में आता है। अब जोगबनी बोलेगा वो मेरे एरिया में आता है, बोले कैसे थप्पड़ मारूंगा खींच करके, दिमाग खराब ना करो। अब ये बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार सुलझा पाएगी क्या कि दो मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करेंगे सर, वहाँ के, बोलेंगे भाई साहब होल्ड योर ब्रेड था, आपको पता होना चाहिए, नीतीश तुम चुप रहो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बात करेंगे मोदी जी उस समय पे कि देखिए सर ये अपने एरिया में लेना चाह रहा है, ठीक है, तो नीतीश जी चाहे अपोजिशन के हों या रूलिंग पार्टी के हों, उस समय पे पप्पा पप्पा होते हैं, ठीक है, पप्पा चाहे कितना भी डांट लें बाद में चॉकलेट वही देते हैं। चलिए जस्ट किडिंग, आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर्स विद इन स्टेट गवर्नमेंट, हाँ स्टेट गवर्नमेंट, अब दो भाई एक भाई बहन लड़ाई कर लिए तो या तो आपस में सुलझाएंगे कि हर बात मैटर पापा के पास जाएगी, दो चॉकलेट को लेकर के लड़ लिए तो भाई बहन एक दूसरे को सुलझा लेंगे, या फिर पापा को जाके कंप्लेन करेंगे, देखिए पापा उन्होंने चॉकलेट ले लिया मेरा, कि भाई 50-50 एक चॉकलेट मिला, आधा तुम खा लो आधा तुम खा लो, खुद ही सुलझाओगे या पापा को जाके बोलोगे पता चला अगली बार से पापा चॉकलेट भी ला के ना दे? देखो ये सब मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, यस और नो? तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके खुद के इंटरनल मेमोरी पे सॉल्व हो जाने चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, और बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, इसमें तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, आर्टिकल 1 यूनिट ऑफ स्टेट्स है, दो थिंग है, फर्स्ट इंडियन फेडरेशन,
is not the result of an agreement by states, and the second, no state has the right to secede from the federations. Secede from the federation का मतलब क्या है कि कोई भी आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना टाले, समझ में आ रही बात, उनको वो बात माननी पड़ेगी, यस और नो। अच्छा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूं, हालांकि पूछना ठीक है या नहीं आई डोंट नो, अगर रातों रात ये बात बोल दे उद्धव ठाकरे जी, कल से 2000 का नया नोट बंद, उद्धव ठाकरे जी बोले, बंद हो जाएगा नोट? हाँ नहीं नहीं सर, अब यही पावर नहीं सर, तो रात में, अब यही रात में 10 बजे मोदी जी फिर से बोले 2000 का नया नोट बंद मित्रों, हाँ तो बंद होगा कि नहीं होगा? वही चीज है, तो आप समझ गए कि गलत होगा, गलत होगा या सही होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनियन यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर, अब तो बदल गया है सर, अभी तो अब तो बदल गया है, 7 सर, 7 था पहले, अब कितने हैं? 9 8 9, देखो भाई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तुम्हारे बीच में, सोच लो। 8 नहीं सर, 7 है, 7, तुम तो बोलो ही नहीं, तुम तो आदम जमाने में चल रहे हो। सर क्या हुआ सर, तुम तो गलत बोल रहे हो ना, 8 है, 8, 8, हाँ कैसा सर वो भाई, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन, अंडमान निकोबार हो गया, अरे रुको ना बाबा, नागर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया। आपको पता होना चाहिए कि बाद में जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया ना, अलग किया गया लद्दाख, है ना, पहले जम्मू कश्मीर ही हुआ करता था, अब बाद में तोड़ करके लद्दाख हटा दिया गया, तो लद्दाख अलग से बन गया आपका, ठीक है। हालांकि बीच में ये भी बात कर रहे थे कि हम क्या बोलते हैं, दादरा और नगर हवेली तो खैर वो अलग से था ही, बाद में वो और बात कर रहे थे कि इसको मर्ज करेंगे, बट उसका प्लान पूरा सक्सेसफुल हो नहीं पाया, ठीक है। तो आपको बस इतना बस समझना है कि जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है लद्दाख को, ठीक है, और लद्दाख को एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, समझ में आ रही है? तो अभी तो लास्ट में कौन सा एडेड है, अभी लद्दाख ही है ना, लद्दाख ही जोड़ा गया ना बाबू, से तो 8 हो गए ना टोटल, हाँ 8 हो गए ना अभी, इस लद्दाख एंड टोटल 8 हो गए ना, हाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर तो है सो है ही, बट लद्दाख एक अलग से बन गया है बस। अरे इस में ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2008 का है, इस पे ध्यान ना देना, ठीक है। तो अगर अभी आपसे पूछेगा तो कितना है, 8 है, अगर आपसे पूछेगा विच इज द न्यू एडेड क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, तो क्या नाम बताएंगे आप? दमन एंड दीव, हे भगवान, सत्यानाश, सत्यानाश कर देती लड़की, दमन एंड दीव, लद्दाख आएगा सर, आप बताइए ना, लद्दाख आएगा, बोल तो रहा हूँ, 6 बार बोल चुका हूँ, ठीक है, लद्दाख लद्दाख लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो अलग कर दिया गया, तो वो चीजें आपका ऐड हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्टेट्स आर इन यूनियन ऑफ इंडिया, अभी बताओ कितने स्टेट है, अब गड़बड़ मत करना। 29 सर, 29, सोच लो फिर से, 28 सर, 28, 20, 29 है, 9, 28। अभी क्या चाहते हो, तुम लोगों को होमवर्क दे दूं मैं? 29, नहीं सर 29 ही है, 28 है सर, 28 कैसा? अब कैसा, अब ये बताओ तेलंगाना टूट के बाहर नहीं निकला क्या अभी? एग्जैक्टली सर, तेलंगाना ही लास्ट एडिट, तेलंगाना है ना, दो बराबर है, तो वही चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ऐसा है, तो 28 स्टेट के हिसाब से बोला जाता है, बाकी हम चीजें देखेंगे एक एक करके, इसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से, है ना, है ना, समझ आ रही है, बाद में तेलंगाना को अलग कर दिया गया। चलो नेक्स्ट, इन विच ईयर द नंबर ऑफ लैक्सेडिव मिनिकॉय एंड अमिनीडीवी आइलैंड्स वाज चेंज टू लक्षद्वीप बाय पार्लियामेंट एक्ट। तो लक्षद्वीप का पहले अगर हम नाम देखें तो हमारा नाम क्या था, हम लोग ऐसे याद किए थे LMA के नाम से, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनीडीव आइलैंड्स को, तीनों को मिला करके जो है चेंज कर दिया गया था लक्षद्वीप, कौन से पार्लियामेंट एक्ट के हिसाब से, कौन सा, 73, 1973 के एक्ट,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनियन टेरिटरी, कौन सा ऐसा जो यूनियन टेरिटरी नहीं है? सर अभी तो जम्मू सभी कश्मीर सर। अरे सर अभी तो सब तो ये तो बात, जम्मू कश्मीर जब सर। अभी तो लद्दाख कर दिया ना, अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को चेंज करते हैं, ये सब चीज मिलजुल के फिर भाई से। हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर तो थे ही, मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था, मैंने अभी बोला था ना, अलादि कृष्ण स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर, बी आर अम्बेडकर बोला मैंने, राजेंद्र प्रसाद जी तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, नहीं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। राइट, तो अब ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन जब बी आर अम्बेडकर थे तो राजेंद्र प्रसाद कैसे हो सकते हैं? कॉमन सेंस लगाओ। हाँ यस और नो? हाँ जी सर। जब चेयरमैन तुम्हारे बी आर अम्बेडकर जी थे तो राजेंद्र प्रसाद तो चेयरमैन ही रहेंगे ना, कोई छोटा मोटा आदमी तो थे नहीं। राइट, तो वो नेचुरल सी बात है कि राजेंद्र प्रसाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा तो सोच ही नहीं पाएगा सर चेयरमैन वाली बात है तो राजेंद्र प्रसाद तो होना चाहिए था, या तो इसको हम मना कर देते हैं, तो ये गलत बात है। वैसे मैंने आपको नाम बता भी दिया था, गोपाला स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधवा राव और टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये लोग थे आपके। सर एक्चुअली कितने लोग थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में? ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ लोग मैं बता देता हूँ, जैसे एक ये हो गया अयंगर जी हो गए, दूसरे अय्यर जी हो गए, तीसरा मुंशी, चौथा सदाउल्ला जी, ठीक है, और फिर पाँच छः, टोटल सात लोग पकड़ लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग माने जाते हैं, ठीक। बट ऐसा कभी नहीं पूछता आपसे कितने लोग थे, कौन था कौन नहीं था, ये पूछा जाता है। ऐसे होने का तो बहुत सारे लोग होंगे, तो हमें कहाँ, जो बताया जाएगा हम लोग हिस्ट्री में तो वैसे ही नहीं पकड़ के चलेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, है ना। अब देखो लोढ़ा बिल्डर्स बहुत बड़ा बिल्डर है ना, तो क्या बिल्डर और नहीं है मुंबई में, है ना? है सर। फिर समझदार हो तुम, आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज है, क्या 500 करोड़ या 100 करोड़ का बजट वाले बिल्डर्स नहीं है, है ना, लेकिन वो 10,000 करोड़ का बिल्डर है ना, अदानी ग्रुप 1,00,000 करोड़ का बिल्डर है, मतलब 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, है होते तो बहुत हैं, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज पे बात करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, फंडामेंटल राइट्स हम कहाँ से लिए हैं बताइए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं हम लोग? अमेरिका से लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या कौन सा ऐसा तुम क्राइम कर दो जिसमें सीधा सुनवाई तुम्हारी लोकल कोर्ट में नहीं होगी, सीधा हाई कोर्ट लेके जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तुमको, एकदम छोटी मोटी जगह बात होगी नहीं। अब मुझे छोटा सा बात करता हूँ, तुमने हेलमेट नहीं पकड़ा और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, बोलोगे सर मुझे अरेस्ट कर लो, ठीक है, वैसे कोरोना ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है मेरी, ठीक है, आप अरेस्ट ही कर लो, तो मुझे क्या बताओ सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तुमको? लेके जाएंगे, हालांकि आपको पता हो या नहीं हो, बट एक बात तो कंफर्म है ना, हाई कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई नहीं होने वाली है कि नहीं, लोकल कोर्ट में ही आस पास में ही दो तीन बार डांट फटकार जो भी है। तो ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ऐसा काम तुम कर दो जिसका सुनवाई तुम्हारा इसी दो जगह पे होगा? अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर दिया, संविधान के खिलाफ चले गए, दूसरा सेंटर और स्टेट के बारे में, मतलब सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट हो गया, स्टेट्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी गुजरात सरकार भिड़ गई किसके साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ, या प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसका, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, किसके अंदर आएगा फंडामेंटल राइट? अगर कोई राइट्स आपको दिया गया है, चाहे वो राइट टू स्पीच हो, तो अगर वो वॉयलेट हुआ तो उसकी सुनवाई आप कहाँ कर सकते हो, सीधा जाके। अभी होता है एक आम आदमी को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्प्यूट से क्या लेना देना है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी ना, ये सुनो। लेकिन
आप कैसे अप्रोच कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट या सॉरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब आपकी राइट्स का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ है, क्या हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर राइट्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर राइट्स, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक लड़का है जो ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड है, उसने धोखे से किसी अनमैरिड लड़की के साथ शादी कर लिया बिना बताए कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो आप बताओ मुझे क्या आपकी सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होगी या नहीं होगी? सर कोर्ट में जाएगा। अब वो जाए ना जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो हाई कोर्ट नहीं तक, सर होगी, हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट में हो सकती है उसकी, ठीक है, कि सर मेरे साथ धोखा दिया गया है, धोखाधड़ी हुई है, कि ये लड़का पहले से क्या है शादीशुदा, चाहे ये लड़का के साथ ही नहीं लड़की के साथ भी हो सकती है, कि लड़की के साथ, लड़की ऑलरेडी शादीशुदा थी, बिना बताया किसी लड़का से शादी कर ली कुंवारे लड़के से, अब वो सीधा सीधा लड़का फाइट करने के लिए हाई कोर्ट जा सकता है बिना किसी सबॉर्डिनेट कोशिश में क्या किए, मतलब लीगली जाते हुए, ठीक है। तो क्योंकि उनके राइट्स का क्या हुआ है, अब वायलेशन और राइट्स में तो ये लिखा है ना कि एवरी पर्सन हैज द राइट्स टू मैरी ओनली वन गर्ल वन बॉय, वन बॉय वन गर्ल, ये वो बात है, मुस्लिम में अलग मामला है, प्रोवाइडेड जब तक उनका दूसरी शादी होती है तो डाइवोर्स का प्रोसेस जो है दैट मस्ट बी, बट एक तो मैंने एग्जांपल दिया, बट अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का कोई चीज उल्लंघन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते, फंडामेंटल राइट जो है जनरली लीगल प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है, लीगली हम लोग मूव करते हैं इसमें, इसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके, और जो ह्यूमन बींग्स हैं जितने लोग हैं सारी चीज़ें वो सारे खुद ही उनको वो चीज़ें बियर करनी पड़ती है, ठीक है। आगे बात, कितने राइट्स हैं इसमें तो आपको पता ही, कोई दिक्कत नहीं, 7 राइट्स हैं। तो अब आप बोलेंगे सर कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जाएं, लेकिन हमें राइट्स मिला क्या क्या है, तो पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है लीगल राइट्स से बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, कितने होते थे, 7, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ जी यस सर, राइट यस सर। तो लेकिन अब जो हम टेक्निकली 6 बोलते हैं, बट वैसे तो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चेंज कर दिया गया है इसको। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर देयर इन द बिगिनिंग, अभी ये नहीं पूछ रहा है आपसे कितना है, अभी कितना है, 6, अभी कितना है, 6, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, तो आप बोलेंगे 6, लेकिन इन द बिगिनिंग कितने थे, 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी 7, ठीक है, तो पहले 7 थे। इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हुई, ऐसा क्या हुआ जो ऐसा करना पड़ा, देखो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, हाँ क्या बोल रहे हो सर, राइट टू प्रॉपर्टी एग्जैक्टली था क्या, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, टेंशन का है, वही तो बताने वाला हूँ कि ऐसा हुआ क्या था कि ऐसा करना पड़ गया। अब देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लो छोटा सा, कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, माँ बाप है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हस्बैंड का, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन भगवान, हस्बैंड का डेथ हो गया, क्या हो गया, डेथ हो गया, अब माँ बाप बूढ़े हैं, उनको भी जाना पड़ेगा इस दुनिया से अकॉर्डिंग टू ओल्ड एज, तो वो प्रॉपर्टी किसको होगा, अब हस्बैंड का कोई भाई नहीं है तो किसको जाएगा वो प्रॉपर्टी, बोलिए, वाइफ, अब मुझे बताओ, वाइफ को जाएगा, चलो वाइफ। लेकिन वाइफ को मिलना तब चाहिए जब वो अकेले रहे, अब वो वाइफ शादी कर लेती किसी दूसरे लड़का से, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके माँ बाप, अरे ये तुम लोग किटर पिटर मत करो यार, ये गलत लगता है मुझे, म्यूट कर लो अपना, कौवा मुर्गी सब आवाज कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो अब बताओ वो वाइफ ने किसी दूसरे लड़का से शादी कर ली, अब जो पुराने हस्बैंड थे वो नहीं रहे इस दुनिया में, उसका कोई भाई भी नहीं है, उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं, अब वो लड़की 10 साल बाद या 7 साल के बाद अगर मर गई, हाँ ओल्ड एज के हिसाब से, या फिर इंटेंशनली वाइफ ने अपने सास ससुर को मार दिया और शादी किसी और से कर ली, तो प्रॉपर्टी किसको मिलना चाहिए, नए हस्बैंड को या वाइफ को रहना चाहिए वो चीज, सर अगर मर्डर केस है ये बात पता ही नहीं चला ना कि मर्डर है, जब प्रूफ ही नहीं हुआ, हाँ इसीलिए वाइफ हुई, अब कभी पता नहीं चला, अब हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड का वाइफ है नहीं, मामा चाचा को कभी प्रॉपर्टी मिलता नहीं,
वाइफ को प्रॉपर्टी अभी मिल गया है तो अकेले रहो तुम, खेत है तो खेती करो, जो भी करना है जो करना करो, बट आपको अकेले रहो। बट दूसरा शादी आप क्यों कर रहे हो? अगर आप दूसरी शादी कर रहे हो तो हो सकता है जो उनकी पापा मम्मी मरे, हो सकता है तुम्हारी वजह से मरे हो, गॉड नोज कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। अब यही सारे प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सॉल्व करते रहेगी क्या? और कोई काम नहीं है उसको? बोलिए, क्या और कोई काम नहीं है क्या? तो लीगली तो जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? Okay. सरकार की हो जाएगी। कि अगर हस्बैंड भी नहीं है और वाइफ अकेली है, और वाइफ अगर दूसरे लड़का से शादी करती तो अब उस वाइफ का हक किसकी प्रॉपर्टी के ऊपर है? नए हस्बैंड के ऊपर है? नए हस्बैंड के। तो नया हस्बैंड का चीज लो ना भैया, तुम पुराने के चक्कर में क्यों पड़े हो? तो टेक्निकली ना बाप है, ना माँ है, ना हस्बैंड है, सब मर गए, तो वो प्रॉपर्टी सरकार की हो गई। क्यों सरकार की हो गई? पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्यों? क्योंकि हम जो जो भी आज फ्लैट पे रहते हैं वो हम लोग का है ही नहीं। अरे जब कागज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कागज के नीचे लिखा रहता है ना, आप टैक्स भरते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं ना, टैक्स, तो वो टैक्स के वजह से हमें वो 99 इयर्स के लिए मिलता है। समझ में आ रही बात? वो टैक्स के हिसाब से, इसीलिए लोग क्या करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं कि मेरा ये जगह है ना। अगर हम लोग, भगवान ना करे, ऐसे ही हुआ था मेरे स्कूल के थोड़े रिलेशन के हिसाब से, उनके मेरे मतलब स्कूल के जो दूसरे फ्रेंड है ना, कौन से थे, होली पब्लिक स्कूल कोई था, उनके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैडम, उनका बेटा बेटी कार एक्सीडेंट में चारों एक साथ मर गए। अगला दिन न्यूज़ आया, मेरे सर बहुत टेंशन में आ गए। क्या हुआ सर? बोले ऐसी ऐसी बात हो गई यार। बोले सर बहुत टेंशन की बात है, तो चारों लोग मर गए, हस्बैंड भी मर गया, मतलब मतलब प्रिंसिपल भी मर गए, प्रिंसिपल मैडम भी मर गई, एक बेटा था एक बेटी, दोनों मर गए। अभी बताओ स्कूल को चलाएगा कौन? होली पब्लिक स्कूल कौन चलाएगा बताओ? अरे बोलो, कोई चलाएगा? अब प्रॉपर्टी किसका है? अब स्कूल के स्टूडेंट को तो दे नहीं सकते, वाइस प्रिंसिपल सब मर गए ना, दोनों कवारे थे, दोनों लड़का कवारा था, लड़का लड़की, गवर्नमेंट को मिलेगी। अब वो सरकार को चला गया तो ट्रस्टी के पास चला गया, उसका फिर वो हुआ क्या बोलते हैं उसको, अरे नीलामी क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शन, ऑक्शन हुआ, फिर अलग अलग स्कूल वालों ने लिया, फिर उसको ट्रस्टी बनाई गई, फिर उसके हिसाब से वो स्कूल उनको मिल गया। अब उस जो भी टैक्स हुआ वो सब अलग अलग जो स्कूल के अथॉरिटीज बने, ट्रस्टी वो चला रहे थे उसको। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी अब वो किसी को देंगे कैसे पता चलेगा बताओ? ये तो मैंने हस्बैंड वाइफ का बताया, छोटा सा टुच्चा था एग्जाम्पल था ये, तो इसलिए राइट ऑफ प्रॉपर्टी हटा ही दिया कि यार कोई बात ना बोले। फिर बोलेगा कि अरे वाइफ की नए हस्बैंड को क्यों मिलेगा? चचा बोलेगा हमारा तो खून है। अरे सही बात है कि नहीं? अगर उसके right. अगर उनके जो हस्बैंड थे, अब वो बोलेगा हस्बैंड के उसका जो भाई है, देवर है जिसको कहो, या चलो वो उसके हस्बैंड हो या ना हो, वो बोलेंगे कि हमारे खून में आना चाहिए ना। अगर मल्होत्रा फैमिली है तो मल्होत्रा फैमिली को जाएगा ना। अब वो लड़की सिंघानिया फैमिली से शादी कर ली तो प्रॉपर्टी सिंघानिया फैमिली को क्यों जाएगा? अब ये सब टेंशन पालेगा क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट? बोलो। इसे बोला सीधी बात है भैया, मुद्दा हटाओ, जो प्रॉपर्टी का कोई जिम्मेदार नहीं तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन? सरकार। एक छोटा सा एग्जांपल लेते, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि मेरे एक मामा जी हैं भी और उनको हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं बैड लक, तो उनके लगभग आई थिंक 1.5-2 करोड़ रुपये पैसे पड़े हुए थे, लेकिन वो अपने कुछ वाइफ को बताते थे कुछ नहीं बताते थे, ठीक है? तो बहुत सारे पैसे जमा करके रखे थे, मेरे पिताजी को सब पता था कि कहाँ कहाँ उनका पैसा लगा हुआ। क्या मेरे पापा जी मांग सकते, वो पैसा क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से? नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि उन्होंने लीगली कहीं किसी को नॉमिनी बनाया ही नहीं, तो किसी को मिलेगा नहीं। अगर उन्होंने मेरे पापा जी को बनाया होता, मेरे अंकल जो हैं, तो मिलता ना मेरे पिताजी को? नहीं मिला। तो देखो मैं बड़ा एकदम रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको दिक्कत वाली बात नहीं। 1.5 करोड़ रुपया था, मेरे पिताजी को बोल रखे थे बिजनेस विजनेस की बातें, बट नॉमिनी किसी को नहीं बनाया, अपने वाइफ को भी नहीं बनाया। अरे बनाना तो चाहिए था उनको। अब वो मर गए तो सरकार, पैसा गया किसके पास? अभी भी बैंक पे पड़ा हुआ है। अब यूज कौन कर रहा है? अब जब कोई क्लेम ही नहीं करने वाला है, क्लेम करेंगे तो तब ना जब कोई नॉमिनी होगा कि मेरे मरने के बाद उसको मिले, बनाया ही नहीं किसी को, तो टेक्निकली वो पैसा किसके पास गया? आज भी बैंक में यूज हो रहा है वो पैसा, 80-85 लाख रुपया। मेरे पिताजी को सब पता है ये बात, लिंक करके आ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, यस और नो? तो बात ये है कि कुछ उनके वो थे, शोरूम थे,
प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा सीधा सीधा, है कि नहीं? क्योंकि इंश्योरेंस नाम की चीज होती है कि नहीं होती? अब इंश्योरेंस उन्होंने कराया ही नहीं, तो प्रॉपर्टी सरकार की हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराओ, गाड़ी चोरी हो जाएगी, 500,000 रुपया तुम देना नहीं चाहते हो सरकार को, सरकार को या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को, तो क्या गाड़ी चोरी होने के बाद कोई जिम्मेदार है? टेल मी यस और नो। है कि नहीं? नो। बस वही बात है, वही बात है। यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही थी कि भाई कि अगर कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, वो सीधा सरकार को। बात खत्म। तो राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट में 1979 में ये चीजें हटा दी गई। चलिए आगे बात करते हैं। तो ऐसा क्या था जो हमारे पॉलिटी के अंदर राइट टू इक्वालिटी में था? तो इक्वालिटी था, फ्रीडम था, एक्सप्लॉटेशन था, रिलीजियस फ्रीडम था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज था, माइनॉरिटीज मतलब क्रिश्चियंस हो गए आपके इंक्लूडिंग मुस्लिम्स आल्सो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना? आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं? एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम का मतलब क्या है? क्या हिंदू को आप मना कर सकते हो क्या मस्जिद में जाने के लिए? क्या मुस्लिम को मना कर सकते हो मंदिर में आने के लिए? रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। अरे मैं खुद ही, मेरी काफी सारी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब चीजें, लेकिन हम भी मनाते तो हैं ना, हिंदू लोग जाते हैं कि नहीं जीसस क्राइस्ट के उसमें? बट लॉजिकली कोई मुझे बोल सकता है क्या कि आप अंदर आ गए तो हमको अरेस्ट कर लेंगे? इतनी हिम्मत है क्या किसी के अंदर? लीगली कोई मूव कर सकता है क्या? ज्यादा ज्यादा गुस्सा करके धक्का दे देगा बस, और क्या कर लेगा? हालांकि लाइव लेक्चर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा लोग? क्या वो लीगली मूव कर सकता है क्या? साहब मंदिर में आ गया हमारे एक मुस्लिम, और एक मुस्लिम चला गया चर्च में, जा रहा है जीसस के सामने, मांग रहा है कि करोड़पति बन जाऊं मैं, क्या उसको अरेस्ट किया जा सकता है? लीगली कोई मूव कर सकता है क्या पूजा करने के लिए? नहीं कर सकता। नो सर। माइनॉरिटीज का एजुकेशनल राइट्स जो है, जो चीज़ें मिनिमम 14 ईयर्स का स्टडीज होने चाहिए और एजुकेशनल राइट्स हैं। ऐसा नहीं कि ये क्रिश्चियन का स्कूल है तो क्रिश्चियन, मैं खुद क्रिश्चियन स्कूल में मैं पढ़ाऊँ इसलिए मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी है, मैं हिंदू स्कूल में पढ़ा ही नहीं हूँ, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाऊँ, तो बताइए क्या वो बोलेंगे नहीं यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन लोग पढ़ेंगे, हिंदू लोग को अलाउ नहीं है? या हिंदू के स्कूल में पढ़ेगा, क्रिश्चियन को मना कर दिया जाएगा, नहीं नहीं तुम अलाउड नहीं हो, चलेगा कैसा? मेरे स्कूल में एक नाम का स्टूडेंट, अलवर अनवर नाम का स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था, 7th 8th रैंक लाता था, क्लास में मुस्लिम भी थे मेरे 3-4, तो क्या उनको मना किया गया क्या? क्रिश्चियन वालों ने मना किया क्या? नहीं किया। तो ये तो ऐसा होता ही नहीं है, तो ये तो राइट्स है ना। अगर कोई बोलेगा कि नहीं 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 ये क्रिश्चियन स्कूल है भैया, बेटा तुम जाओ हिंदू स्कूल में, तो जा करके वो जाके सीधा हाईकोर्ट में जाके पीसी कर देगा, देखिए सर इस स्कूल का लाइसेंस अभी के अभी कैंसिल कीजिए, बकवासबाजी कर रहा है ये, ही इज वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द राइट टू क्या, फंडामेंटल राइट्स। ये सर नो, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हालांकि ये समझ डिटेल में आपको पढ़ाने वाला था कि जब फंडामेंटल, लेकिन ये आ रहा है तो मैंने बोला चलो थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि काफ़ी स्लो जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज हो गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गया, चलो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं स्किप कर करके चलता हूँ, हर हर टॉपिक का एक दो करा देता हूँ, क्योंकि अपन हमारे सिर्फ बस 10-12 मिनट ही बचा है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कौन से जगह से, DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। IBOP का डायरेक्टर कौन है? ईरिस सर है ना, है ना, वैसे याद कर लो, आयरलैंड डायरेक्टर, ठीक है ना, ओके। डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं? तो IBOP का डायरेक्टर कौन है? वैसे तो महेश सर भी हैं, लेकिन कौन है? ईरिस, मालूम है ना, ईरिस सर हैं, मालूम है? नो सर। नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अगर आप कभी मैडम से पूछिएगा कि ईरिस सर कौन है तो बता देंगे मैडम आपको, एडमिशन लिया आपने तो, ऐसे याद कराने के लिए बच्चों को बोल दिया था मैंने आप लोग को कि डायरेक्टर कौन है जी आपकी क्लासेस के? ईरिस, मिस्टर ईरिस, ठीक है। वैसे तो महेश सर भी हैं, राहुल सर भी हैं, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, तो याद कराने के लिए मैंने बोला ईरिस, है ना। कुछ टेक्निक है जो चीज़ों को याद करने के लिए आसानी रहती है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ सर।
तो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। आर्टिकल 19 में क्या क्या दिया गया इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। आर्टिकल 19 में क्या है, स्पीच है और एक्सप्रेशन है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, कोई भी आदमी किसी भी स्टेट में जा सकता है, रेसिडेंस, जिस जगह जाओ तुम घर खरीद सकते हो, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जो जॉब करना चाहो वो कर सकते हो, यस और नो। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा है जो सिर्फ इंडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है वो चीजें हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेशन। बोलो एक्सप्रेशन क्यों, एक्सप्रेशन, क्यों क्योंकि सोचो क्यों? वो लोग ही सर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं ना। नहीं, ये बात इंटरव्यू में दोगे तो फेल हो जाओगे, सच्ची बता रहा हूं मैं। देखो राइट टू लाइफ तो ना कभी भी किसी का फंडामेंटल किसी एक आदमी का नहीं हो सकता, जीने का अधिकार तो सबको है, खुल के जीने का अधिकार सबको है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ इंडिया के सिटीजन को मिलेगा, ये सबको मिलता है। रिलीजियस फ्रीडम भी सबको मिलता है कि हिंदू मुस्लिम के पास जाए, मुस्लिम हिंदू के पास जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कंट्री है भी नहीं, एक दो कंट्री के हम छोड़ के चले, जहाँ पे अबू धाबी जो एरिया है तुम्हारा है ना, दुबई वाला एरिया जो है वहां पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि हिंदू को अलाउ नहीं करते वो लोग, कतर वाला एरिया जो है, मैं एकदम इतना श्योर नहीं हूँ पूरी तरह से, बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जानता हूँ मैं कि वहां पे हिंदू को क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। इक्वालिटी तो कहीं ना कहीं सब जगह, एक्सप्रेशन में मुझे बताओ कि अगर इराक में और यूएस में लड़ाई हो रही है तो क्या इंडिया को बोलने का कोई अधिकार है क्या, जब तक कोई बोले नहीं? अगर तुम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, इंटरनेशनल एडवाइजर हो, सिक्योरिटी एडवाइजर, तो तुम कुछ बोल सकते हो, लेकिन तुम दूसरों के पर्सनल लाइफ में, दूसरे कंट्री में पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो क्या, उनके पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशंस में? बोलिए। क्या अलाउड है? लेकिन सर क्वेश्चन तो अलग ही है, फंडामेंटल अरे सुनो, अरे वही मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट इज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, मतलब इंडिया के लोग इंडिया के ही बात करेंगे। एक्सप्रेशन कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इंडियन सिटीजन्स को ही दिया गया है, कि राइट टू एक्सप्रेशन, कोई भी आदमी एक दूसरे के बारे में बात कर सकता है विद इन द कंट्री। बात समझ में आ रही है? सर मतलब कोई सर कोई फॉरेनर आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बोल रीड नहीं कर सकता, सकता। कुछ नहीं बोल सकता, हिम्मत, राइट राइट सवाल ही नहीं है कि कोई दूसरा आदमी, यही मैं एग्जांपल आपको देने वाला था कि दूसरे कंट्री में हम जाके इंटरफेयर, हम बोले बात अलग, दूसरी कंट्री वाले आकर के हमें बोले, भैया तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू टू टेल मी, प्रोवाइडेड कि वो कोई यूनियन, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का आदमी ना हो। जैसे जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय बहुत बड़ी वार्निंग मिली थी, वार्निंग नहीं मतलब एक एडवाइस मिला था मोदी जी को कि मिस्टर मोदी कंट्रोल योर पीपल, हाँ, दे आर वायलेटिंग ऑल द राइट्स, दे आर नॉट मूविंग विथ मास्क, दे आर वेरी मतलब लैक ऑफ डिसिप्लिन, एंड ड्यू टू विच आई विल हैव टू ब्लॉक ऑल योर पीपल टू कम इन आवर कंट्री, एंड दैट विल बी आवर फाइनल कॉल, एंड आई विल बी हेल्पलेस इन दैट रिगार्ड। बोला गया था, मोदी जी ने मजबूरी से किसी तरह से लोगों को इंगेज किया, थाली बजाना ये सब चीज इंगेज किया, इतना आसान नहीं होता है। छोटा सा लो, मान लो तुम्हारे घर में 20 लोग रह रहे हैं और तुम्हारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं 20 लोगों के बीच में, और 4 लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो तुम खुद ही बता दो कि कौन से फैमिली को मैनेज करना आसान होगा, जिस फैमिली में 4 लोग रहते हैं या 20 लोग रहते हैं? से 4 लोग, चार सर लोग ना, हमारे देखो चार सवा लोग सौ करोड़ लोग हैं देश में, हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, चाइना का तो छोड़ ही दो, उनका तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है कि वो कहीं ना कहीं किसी तरह से इंगेज कर सकते हैं, बट हमारे लोग को कैसे मैनेज करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इंगेज करने के लिए। अब 20 लोगों की तुम्हारे घर में फैमिली मेंबर हैं तो क्या करोगे, झूठ मूठ का एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दोगे कि मेरे भाई के फ्रेंड का दोस्त का सा बर्थडे है, तो तुम आज के लिए तुम लोग तो चुप रहो यार, 20 लोग, आज बर्थडे है भाई सेलिब्रेट कर लो, रात रात में सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, खाना खाएंगे, सुबह सब भूल जाएंगे, कोई बहाना तो चाहिए ना 20 लोग को शांत करने के लिए, यस और नो? सब लोग को पार्टी मूड में भेज दिया भाई, ऐसा ही होता है कभी, अगर आपके घर में लड़ाई हुआ हो ना तो झूठ मूठ का क्या करने का, क्या करने का, एक सेलिब्रेशन पार्टी रखने का अपने दोस्त का या किसी का, कि आज वो आ रहे हैं, एक पार्टी मूड है, 10,000 दिया भी है उन्होंने,
ऐसी सी बात है, आज पार्टी, आज चुप रहो तुम लोग, क्योंकि सब लोग फिर फ्रेंडली फ्रेंडली हो जाएंगे, कोई खाना बनाएगा, कोई सलाद बनाएगा, कोई ये करेगा वो करेगा, सब भूल जाएंगे वो चीज़ें। बस एक दिन के लिए तुम रोक लो उनको, अगले दिन सब भूल जाएंगे। यस और नो? बस यही किया मोदी ने, मोदी जी ने, कि रोक लिया बस किसी तरह से। और ये चीज़ों को बहुत एक्चुअली हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हैं, इंटरनेशनल में भी हैं, बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी वर्क कर रहे हैं, एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं। मेरे खुद एक मामा जी हैं जो US एम्बेसी में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें पता चलता है, हम चीज़ों को समझते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कि नो वन इज़ ऑथोराइज टू टेल एनी थिंग अबाउट आवर हाउ टू लीव एंड हाउ टू मैनेज, एक्सेप्ट कि वो लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ना हो, वो इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है और इंडियन सिटीजन्स को ही वो राइट्स दिए गए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में भी दिया गया है 15, 16, 19, 29, 30, है ना, 15, 16, 19, 29 और 30, यानी 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बात? यस और नो? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। व्हाट डू मीन बाय द टर्म डिटेंशन, बोलो डिटेंशन का मतलब क्या होता है, बोलो। हाँ भाई, डिटेंशन का मतलब क्या होता है, बोलो, नया वर्ड लग रहा है तुम लोगों को, अरे कोई तो बोलो, डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है सर? डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कस्टडी, स्टॉपिंग, वेरी गुड, कस्टडी, ठीक है, ठीक है, मतलब एक तरह से पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई क्राइम आपने किया है, ठीक है, अगर आपको हम आज़ादी दे दें तो क्या किसी का मर्डर कर दोगे? हाँ भैया, आज़ादी दिया तो इसका मतलब तुम मर्डर कर दोगे किसी को? यस और नो? अरे बोलो, अगर मैंने आज़ादी दिया तो क्या मर्डर कर दोगे तुम? इसका मतलब होता है नज़रबंदी, हिंदी में इसको नज़रबंदी बोलते हैं, कोई भी चीज करना पूछ के करना, ये वाली बात है कि नहीं? पापा पापा उसने मेरे को थप्पड़ मारा, पापा मैंने उसका सिर फोड़ दिया, अरे बेटा पागल है क्या, हमने बोला था कि हिम्मत से लड़ना, तो तुमने सिर फोड़ दिया उसका, हाँ पापा सिर से फोड़ फोड़ के खून निकाल दिया और मार दिया उसको, अरे बेटे तुमको ये कब सिखाया, पापा आपने बोला था कि सुनने का नहीं, मैंने सुना नहीं, बेटा चिल्लाने का था, मारने का नहीं, तुमने तो सल्टा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इफ यू हैव बीन गिवन एनी फ्रीडम यू नीड टू यूज इट वेरी क्या वाइजली, राइट? वाइजली, हाँ। तो ये बताया गया है किसके अंदर, आर्टिकल 22 में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई केस होता है कि अगर आपने अपनी दी गए राइट्स का उल्लंघन करते हो तो 3 महीने तक आपको सजा दिया जा सकता, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल केस में, ठीक है, नहीं तो सजा तो उससे बड़ी भी होती है आर्टिकल 20। अब तुम्हारा घर आ गया, चैन खींच दोगे, अब पकड़े जाओगे, तो बोले क्यों रोका भाई, सर मेरा घर आ गया था ना, इसीलिए रोक दिया, बीच में आ गया था इसीलिए, वाह बेटा वेरी गुड, चलो जेल लेके जाते हैं तुमको। अरे भाई चैन खींचने में सजा मिलती है कि नहीं मिलती, अगर कुछ वैलिड रीजन ना हो, आग वगैरह लग गया हो कुछ, है ना? Yes, चैन खींच दिए, तुम्हारा गांव में घर आ गया, चैन खींच दिए, पूछा पुलिस वाले ने रोक करके, भाई क्या चक्कर है, किसने खींचा साहब, इसने खींचा, क्यों खींचा, मेरा घर आ गया था ना सर, इसीलिए उतरना था, अभी मैं बोल तो नहीं सकता था ना इसीलिए। अब उसने जवाब क्या दिया, सर आप मेरा घर यहाँ आया, यहाँ पे 1.5 लाख लोग रहते हैं, आपको स्टेशन बनाना चाहिए ना, आपने नहीं बनाया तो मेरे को तो चैन खींचना पड़ेगा ना, उसके लिए मैं क्या 2-8 किलोमीटर आगे जाऊँ क्या, आपकी गलती है, आपने स्टेशन नहीं बनाया, आपकी गलती है। वाह देखिए कॉन्फिडेंस देखो सामने वाले की, एक्चुअली मैं था तो आई जस्ट सॉ इट रियली, एक रियल इवेंट है। उसने बोलता आपको बनाना चाहिए ना स्टेशन, तो बोला आपको अर्जी देना चाहिए ना, बोला कि हमारे छोटे मोटे अर्जी 100-200 रुपए के तो काम होता नहीं है, आप बोल रहे स्टेशन बनाने की अर्जी, सो मैंने सोचा 20-20 मैच खेल ही लें, डेली डेली ऑफिस जॉब पे जाना पड़ता है, मजदूरी करने जाना पड़ता है, वर्कर हूँ, वर्कर का एसोसिएशन का मेंबर हूँ मैं, थोड़ी ताकत तो थी उसके अंदर, तो खींच दिया। फिर बोला फाइन भरना पड़ेगा 1,000 रुपये, नहीं तो अंदर लेके जाऊँगा, बोला कि चलिए अंदर ही चलते हैं सर, कितने महीने के लेके जाओगे, बोला 3 महीने 6 महीने का रहेगा, तो बोला कि सर
ठीक है, मैं झेल लूंगा, लेकिन आपको ये, मैं जाके डेली मैं जेल में चिल्लाऊंगा, स्टेशन खोलो स्टेशन खोलो स्टेशन खोलो, ताकि मेरी बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंच पाए। सर डेली चिल्लाता ही है, स्टेशन चाहिए स्टेशन चाहिए स्टेशन चाहिए। 3 दिन में छोड़ दिया उसको, समझ रहे हो मेरी बात, 3 दिन में उसको छोड़ सर फिर दिया। भी 3 दिन तो रखा ना। तो रखा तो उसकी बात पहुंच गई ना डीएम के पास कि वहां स्टेशन की जरूरत है, 1.5 लाख लोग रह रहे हैं मजदूर से लेके, वो तो जानबूझ के जाना ही चाहता था, वो उसको इच्छा ही थी कि चाहोगा तो मेरे को छोड़ तो देगा ही, 1 रुपया नहीं दिया। और ये मैं बताऊं कि वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए लेक्चर के टाइम, ये हमारे रिलेटिव के ही दूर दराज के जो लोग होते हैं ना मेरे, हम लोग के जो अंडर काम करते हैं, ठीक है, हमारे जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या जो भी हमारे बिजनेस में काम करते हैं, तो हमारा वाटर प्लांट है एक, वाटर जिसमें बिसलेरी तुम लोग का बनता है ना, ठीक है, दूसरे का वाटर प्लांट है हम लोगों का, सर वो गांव की बात बता रहा हूँ मैं तुमको, तो उसमें काम करता था उसका यूनियन का वो था, रमेश बोलते थे हम लोग, तो बोला कि सर हम, सर हमें हमारा गांव में बहुत दिक्कत होता है, आप हमको गाड़ी का फैसिलिटी दे दीजिए, बस का फैसिलिटी, 22 लोग हैं कैसे जाएंगे, बार बार उतर उतर के जाते हैं, रात में 11 बजे आप छोड़ते हो, कौन सा, मेरे चाचा जी बस खोल के रखे हैं वहाँ पे घर पहुँचाने के लिए, पैदल हम नहीं जाएंगे, हम लोग को, हम बोले नहीं हम लोग नहीं कर सकते सॉरी, 22 लोगों के लिए तुम लोग के लिए क्या हमको प्राइवेट जेट भेजें क्या, बात करते हो, गुस्सा से उससे जाके चेरी खोज दिया। फिर अगला दिन बताता है कि वो तो जेल चला गया है सर, क्यों बोलता है स्टेशन चाहिए, हम बोले यार तुम लोग इतने क्रेजी कैसे हो सकते हो यार, तुम लोग को मैंने बस का फैसिलिटी नहीं दिया, तो रात में 11 बजे मैं तुमको छोड़ता हूँ, बोलते सर आपका खुन्नस निकाला मैंने वहां जाके स्टेशन मास्टर के ऊपर। और बाद में अर्जी हो गया, तो बाद में आई थिंक 6 साढ़े 6 साल के बाद स्टेशन का प्रपोजल आ गया, बट सोचो वो इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो शायद वो स्टेशन बनता भी नहीं, बट होता है ना फॉर ए गुड रीजन, बट ही डिड इट वॉट एवर ही डिड इट फ्रीडम का, तो 3 महीने तक का जेल उसका वाजिब बनता था कि चैन खींचा उसने, थोड़ी बदतमीजी से बातें की उसने, बट 3 महीना उसको जेल हुआ नहीं, कितने दिन हुआ, 3 दिन, 3 शायद या 4 दिन हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आ रही है बात, यस और नो। हाँ चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देन विल क्लोज, देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे ये पूरा पीडीएफ आपको पढ़ना है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला कर लो, चलो ये वाला कर दो, विच इज विच ऑफ द आर्टिकल इंस्टीट्यूट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 37 में बोला जाता है कि इसका उल्लंघन अगर तुमने किया तो कहीं तुम्हारी सुनवाई होने वाली नहीं है, बराबर ना, तुम सोचोगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बच जाएंगे, ना ये ना हो पाएगा, चाहे तुम स्टेट वाइज जाओ या सुप्रीम कोर्ट में जाओ, इसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो आर्टिकल 37 के अंदर जो लिखा हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, कि इस पार्ट में कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपने एक ऐसा काम कर दिया जिसका सुनवाई है ही नहीं, मतलब यू विल बी क्या गिवेन द हाईएस्ट, क्या बोलते हैं, पनिशमेंट, और कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकते। देखिए मैं इसे छोटा सा बोलता हूं, मैं हालांकि लाइव लेक्चर में बोलना नहीं चाहिए, बार बार क्या हो रहा था कि जो इलीगल जो क्या बोलते हैं उसको अफेयर्स है ना, मतलब अनमेरिड कपल्स लोग जाते हैं और बाद में उनके बीच इलीगल रिलेशनशिप के वजह से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और बाद में उसके बोलते हैं कि या तो शादी कर लो, और लड़का या मना कर रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम्स बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार इसको लीगली कर दो, दिस इज ए लीगल लॉ कि देर इज ए लिविंग रिलेशनशिप, आप लोग साथ में रहो, अब रहने में आप बताओ घर वालों को नहीं बताओ, इसे आपका पर्सनल मामला है, हम ही छोटी छोटी चीज़ों को चिंदी मैटर्स में पढ़ने वाले नहीं हैं, हर बार तुम लोग यही केस लेके आते हो कि हमारे साथ उसने धोखा किया, हमारे साथ इसने धोखा किया, हमारे साथ वो किया, हमारे साथ ये किया, इन सब चक्करों में पढ़ने वाले, नाउ लिविंग रिलेशनशिप इज क्या, क्या किया था बोलो, लीगल कर दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुनो कि लीगल रिलेशनशिप क्या कर दिया था, लीगल कर दिया था, सो नाउ व्हाट यू हैव, व्हाट एवर यू वांट टू डू इज योर चॉइस, और नाउ यू हैव टू टेक केयर वेदर योर पेरेंट्स एग्री ऑन इट और नॉट, वेदर यू हाइड इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, अगर तुम अपने पेरेंट्स से हाइड करोगे तो वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सपोर्ट करने वाले नहीं है,
एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द लूजर। तो बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, जो लिविंग रिलेशनशिप को लीगल कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम आपने किए जिसका कोई क्या है, सुनवाई नहीं है। जैसे आपको पता था एक जो केस चल रहा था, कौन सा केस था वो, जिसमें सीधा फांसी की सजा मिली थी, रेप केस था, कौन सा केस था वो, नाम भूल गया मैं। हाँ, निर्भया केस। हाँ, निर्भया केस। तो उसमें कोई सुनवाई नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, सीधा का सीधा क्या, हाँ सुनवाई होगी लेकिन बचने वाला है नहीं वो आदमी, ये क्लियर है इस मामले में। बचने सर का नहीं, कोई, अभी अभी जस्ट हुआ था क्या बोल रहे हो। बाद में डॉक्टर। हाँ, तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसमें अब कोर्ट में डॉक्टर इंटरफेयर, का केस हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद में हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अब हम उसको वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, ओवरसीड नहीं कर सकते, और इसमें कोई रूल अलग से लगेगा नहीं, कोई लीगल सिस्टम लगेगा नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो, डायरेक्टरी स्टेट पॉलिसी में कहा भी जाता है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू लीव इन ए प्रॉपर कंडीशंस, कीपिंग इन माइंड दैट हैज द एम टू इंजॉय ऑल द सोशल राइट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड सिटीजन शुड लीड ए गुड लाइफ, शुड गिवन ऑल द फैसिलिटीज, इट्स ओके, राइट। तो एक बेटर लाइफ लेने का, जीने का सबको अधिकार है, और कोई किसी के लाइफ को बुरा करता है, इंटरफेयर करता है, कुछ चीजें करता है, तो इज वायलेटिंग द राइट्स, एंड इफ इज वायलेटिंग द राइट्स टू इंटरफेयर इन समवंस लाइफ, राइट। अब मार दिया तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, उसमें तो खैर बात ही खत्म है, मालूम है ना आपको, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको कोई बच सकता है क्या, वो फाइन भरेगा क्या, वो सेफ, जेल तो होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा ब्रूटल केस कर दिया उसने जिसमें कि अब तो उसको जीने का अधिकार ही नहीं है, ही शुड बी हैंग टिल दैट, सिंपल, राइट, बिकॉज इट इज अ मैसेज, इट्स नॉट ए सिंपल मैसेज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब एक सिंपल सी बात नहीं है, इट इज ए सोसाइटी का, अगर हम आज इसको फांसी की सजा नहीं देंगे तो बाकी लोग ऐसा गलत काम करने के लिए, आई होप समझदार हैं आप लोग, है ना, तो सोसाइटी में गलत मैसेज ना जाए, ही शुड बी पनिश्ड, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब बताइए कि अगर डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन हुआ हैव नॉट, अगर इन्फोर्स नहीं किया गया, यानी सरकार इस पे बात नहीं करेगी, तो सिटीजन्स को कहाँ जाना चाहिए, सरकार के पास गए बात नहीं हो रही तो कहाँ पर जाएंगे आप भाई, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते भाई, कहीं नहीं जा सकते, तुम सीधा सीधा फांसी ही मिलने वाली है तुमको, सीधी सीधी बात है कि नहीं, कि कोई बचा नहीं सकता तुमको, आप बच नहीं सकते, तुम कुछ भी हो जाए, चाचा मेरा 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, 2 करोड़ ये हो या 5 करोड़ हो, तुम्हारा बचना मुश्किल है, मुश्किल ही असंभव है, अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ये बात का तो क्लियर मामला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस, आंसर जानने से क्या होता है, आंसर तो सबको समझ में आ ही गया है। इसका मतलब, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स का मतलब होता है टू प्रोवाइड पीपल इन ए वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लोग सुरक्षित हैं, सिक्योर्ड हैं, यस और नो, और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ दिस वुड नॉट हैव बीन इन्फोर्स, देन नो वन कैन सर्व देयर इंटरेस्ट बिकॉज दे आर एम टू सर्व द स्टेट ओनली, कोई भी स्टेट में कोई जगह रहना चाहेगा जहाँ पे लोग इनसिक्योर्ड फील करते हैं, आप छोटी सी बात करो कि कोई ऐसे जगह पे आप रहना पसंद करोगे जो जगह इनसिक्योर्ड हो, जिस मान लो जिस फ्लैट में आप रह रहे थे, मान लो पीजी में रह रहे थे, बाद में पता चला कि उस पीजी में कुछ ना कुछ चोरियां हो रही है, आपके दोस्तों की चोरियां हो रही है, कभी उसका मोबाइल गायब हो जाता है, किसी एक फ्रेंड का लैपटॉप गायब हो गया, चोरी अंदर के लोग ही कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि मकान मालिक का कोई आदमी कर रहा हो, तो क्या आप उस पीजी में रहना पसंद करोगे, बताइए, नहीं सर। आप सोचेंगे कि यार दूसरे के साथ हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी होगा, हमारा चोरी चोरी थोड़ी ना होगा, हर बार जाते हैं कोई आदमी रोता हुआ मिलता, क्या हुआ भाई, अरे यार देखना हेयर ड्रायर गायब है यार, अरे क्या बात करे, ताला लगाया था तूने, अरे लगाया था लेकिन चाबी तो मकान मालिक ने दी थी ना यार, ड्रॉअर तो मेरे को वही दी है ना अलमीरा, क्या बात, अगला दिन फिर से आते हैं, फिर बोलते क्या हुआ भाई, काहे तू तू काहे को चिल्ला रहा है,
भाई चेकबुक नहीं मिल रहा हमारा। क्या बात कर रहा है मैडम, कौन सा मकान वाली कौन सा तेरा चेक। अरे चेकबुक ले ना ले, अलग बात है यार, चेकबुक थे, मेरा पैन कार्ड था, सब गायब है यार, वॉलेट गायब है मेरा। तो आप बताओ कि आप उस दिन, उसके बाद एक दिन भी उस पीजी में रुकोगे क्या? बोली वुड यू लाइक टू लीव एक दिन मेरा। आपका मान लो 5,000 रुपये बकाया है, क्या आप फिर भी रहना चाहोगे उसमें? बोलोगे भैया मेरा पैसा जो डिपॉजिट है मेरा वापस करो, 10-15 जा रहा, मेरे को नहीं रहना, मेरा इमरजेंसी होगी। सामने वाला बोलेगा नहीं दूंगा डिपॉजिट, तुमने नोटिस नहीं दिया, गो टू हेल, रखो 10,000 रुपया, बटा मैं नहीं रहना यहाँ पे। बड़ा सिंपल मामला है, चोरियाँ नहीं। हाँ बोलिए, सर क्या हुआ? इसमें क्या हुआ था पता है क्या, एक हम लोग के ऑफिस में तो क्या हुआ था पता है, एक है ना पुलिस नागपुर से ना मुंबई शिफ्ट हुआ था, तो एक पीजी में रह रहा था, तो फिर है ना वो शायद काम पे आया और उसका ना पूरा बैग लगेज ही चोरी हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि दिस इज वेरी इनसिक्योर थिंग ना, कि कहाँ पे वो सारी चीजें, मतलब सोचने वाली बात हो जाती है। उस पे कंप्लेंट किस पे जाता है कि कोई दोस्त लोग ही कर रहे हैं, कोई कुछ लोग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इस पे क्राइम पेट्रोल वालों ने एक एपिसोड भी बनाया था कि वो मतलब साथ के ही लोग चोरी वोरी कर लिया करते थे, बट दैट इज बैड ना, ये तो गलत है ना, सिंपल बात है, ये तो गलत है। आप ट्रस्ट भी करते हो, सारी चीजें करते हैं, आप पीजी में रह रहे हो, अपना सामान दिए, फिर पता चला आपने 5,000 रुपया रेंट पे तो ले लिया आपने पीजी, लेकिन पता चला आपका लैपटॉप था, आईपैड था, सब चीजें थी। अगले दिन गए और आपका जो रूममेट था, मतलब मान लो एक जगह पर रह रहे थे, आपने रेंट पे लिया और आपका रूममेट गायब है, 2 लाख रुपए का आपका एसेट था, लैपटॉप था, आईपैड था, ये सब 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 गायब है। आप गए थे भाजी लाने के लिए, पता चला भाजी लाने कहीं एक दिन के लिए कहीं गए थे पिकनिक मनाने के लिए फ्रेंड्स के साथ, पता चला अगले दिन आते हैं तो देखते हैं ताला लगा है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ है, सब कुछ है। और बाद में पता चला कि वो जो रेंट पे लिया था वो उसके नाम पे था ही नहीं। मकान मालिक बोलता है ये तो आदमी था ही नहीं, ये तो कोई और रहता था पहले यहाँ पे, वो तो बहुत पहले छोड़ के जा चुका है 3 महीने पहले, बट ये आदमी रह कैसे रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मकान मालिक को भी नहीं पता कि नया आदमी कब आके रहने लगा। पुराने वाले से बोलता हूँ तो सर पहले ही से खाली कर दिया था, मैंने तो आपको मैसेज भी किया था, मेल भी किया था, आपको पता नहीं है। अब बताओ इसका सुनवाई कहाँ होगा, किसकी गलती है? मकान मालिक है जिसका 1 महीने से मोबाइल स्विच ऑफ था, खाली करके भी चला गया, दूसरा आदमी रहना का आके रहने भी लग गया, दूसरा आदमी भी आके रहा, उसकी सामान भी चोरी हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो दैट इज ए, मतलब आई वॉन्ट टू से कि जो भी आदमी का जो रियल लाइफ है, ट्रू लाइफ है, उसमें कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, ही विल बी पनिश्ड एंड देयर इज नो अदर लॉज हु कैन प्रोटेक्ट हिम। एक आदमी बचा सकता है उसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो किसी को, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि जिसको फांसी दी जा रही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं रोक दो भाई, रीजन नहीं पूछेगा कोई, क्यों सर रोको, बोला ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो ना मैं, रोक दो बस। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी आदमी को सजा से मुक्त कर सकता है, जैसे साईं बाबा कर देते थे, जान वापस लाते थे, है ना। तो आई होप सब लोग को समझ में आया होगा चीजें, और पीडीएफ आप लोग को मिल चुका है, यू हैव गो विद ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियन, स्ट्राइक। राइट स्ट्राइक, ये तो बच्चा वाला टुच्चा क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू फॉरेनर, पॉलिटिकल विक्टिम्स, डिसीज्ड पर्सन और इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं मालूम है? जिसने कर्जा लिया है और चुका नहीं पा रहा है। ठीक है, कर्ज लिया, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं कि आपने 10 लाख का कर्ज लिया और आप नहीं चुका पा रहे हो, तो क्या इसका मतलब आपके पास जो राइट्स थे सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे? किसको नहीं दिया जाता है? फॉरेनर को नहीं दिया जाता है, समझ रहे हो, विदेशी लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो नहीं दिए जाते, जैसे मैंने आपको बताया। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोग, और फिर हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये पॉलिटिकल राइट किसको बोलते हैं? कंटेस्ट इलेक्शन को, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, वोट करो, और ये तो आपका राइट्स है ही, है ना। तो इसको आप गो थ्रू कीजिए एंड विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। सो वी हैव कवर्ड द
questions MCQs based on Indian polity. Those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the Telegram group GK by Ravi Ranjan sir. Ravi Ranjan sir, you will get the PDF of this topic which we have discussed today. So press the bell icon right now and share with your friends as well. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you. Every single day.